लेकिन जो गा रहा है उसकी लाइव एनर्जीज, उसकी लाइव शुद्ध ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा, अहंकार से शून्य होती होती, खाली होती होती जो ताकत है ना, वो तुम्हें अपने में स्थिर करेगी। आज नहीं लगा कुछ अलग? कुछ वही भक्ति है तो बहुत बार गा चुके हैं तुमसे रोज बोली, लेकिन कितनी सात्विक बात है। तुमसे जोड़ी, वो जुड़ी है कि नहीं ये पता कैसे चलेगा? अवर संग तोड़ी और संग तोड़ी, तोड़ी मतलब प्रीत तोड़ी, और व्यक्तियों को छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन अब मैं हूँ वही, उन्हीं व्यक्तियों के बीच में हूँ, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में हूँ, लेकिन अब मेरा मन सतत तुम्हारे रंग में रंगा हुआ है। ऐसा होता है ना, जिसके साथ हमें प्रेम होता है वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, आना जाना संयोग वियोग तो सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, तो वो व्यक्ति जब हमसे दूर चला जाता है तो हम यहाँ है, सब काम करते हैं, सारी घटनाएं एज इट इज घट रही हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है? दिस इज तुम से वो जोड़ी अवर संग तोड़ी, और के साथ टूटा के नहीं ये चेक जरूर करना, क्योंकि औरों में भी है और तुम में भी है, तो सीधा यही रखो कि तुम में नहीं है, तुम्हारे में प्रीत नहीं है, औरों में से थोड़ा थोड़ा रस टूट रहा है, क्योंकि जहां तुम वही मैं, जहां तुम्हारा मिशन वही मैं, जो तुम्हारे मिशन की सेवा वही मेरे जीवन की आज्ञा बन जाए या वही मेरे जीवन का ध्येय बन जाए, ऐसी तुम्हें भीतर तैयारी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं होगा। यदि तुम गिरिवर बनते हो तो मैं मोर, 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 तुम कलमा गा रहे थे ना, कोयल का तो मैं कोयल गा रही थी, तुम गिरिवर बनते हो तो मैं मोर, तुम तीरथ बनते हो तुम, अब गिरी और तीरथ में क्या फर्क है, दोनों सेम ही तो है, जो पहाड़ है वही तो तीर्थ है हमारा, तीर्थ भी हमारे पहाड़ पर होते हैं ना, तुम अपने आप को पहाड़ कहलाना पसंद करते हो तो मैं वहां टहुकना मोर बनके नाचना पसंद करूंगा, तुम तीर्थ कहलाना पसंद करो अपने को तो मैं यात्री बनके यात्रा करने को तैयार हूं। तुम जो कहो, अब पहाड़ में और तीर्थ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम गिरिवर कहलाना पसंद करते हो तो मैं मोर बनना पसंद करूंगा, और तुम तीर्थ बनना पसंद करो तो मैं यात्री बनना पसंद करूंगा, तुम अब मिशन रूप में बाहर आए हो तो मैं सेवक बन के करूंगा, तुम मेडिटेशन रूप में आओगे तो मैं साधक बन के काम करूंगा, दोनों चीजें चाहिए। और इसीलिए अभी पिछले दिनों ही बात चल रही थी तो मैंने इनसे कहा, शायद आत्मसिद्धि की 9वीं गाथा के अंदर ऐसा कहीं बोला है, सेवा के ऊपर साधना का शिखर, ऐसा है ना, सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष पावे ते निज बदले। पहले सेवा फिर साधना, कितना, शायद 6-7 महीने हो गए बात करे हुए, 6-7 महीनों में जिंदगी भाग गई आगे, बहुत बहुत आगे दौड़ लगा ली, जिंदगी मतलब दशा ने, जिंदगी तो अपने समय के अनुसार ही भागती है, लेकिन दशा में दौड़ लगी, तो अभी उनको कह रही थी कि अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि पहले सेवा और फिर साधना, अब दे बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड, बाहर सेवा और भीतर साधना, ये दोनों काम इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब भगवान ने तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दी कि पहले सेवा कर लो या पहले साधना कर लो, कुछ एंगल है जो कहता है कि पहले खुद को तो परिपक्व कर लूं फिर बाहर लोगों को मदद पहुंचाने जाऊंगा, कुछ एंगल है कि अभी अंदर तो कुछ होता होता नहीं है हमसे तो पहले बाहर लोगों के साथ सेवा कर लूं, सेवा मतलब प्रेम से रह लूं उन लोगों के साथ, फिर अंदर जाएंगे, अभी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ये समय नहीं देगी, अब तुम्हारा सेवा और साधना पैरेलल चलाना पड़ेगा, सेवा बाहर और सेवा मतलब अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, तुम अनकंडीशनली तुम बाहर में प्रेम से कुछ काम कर पा रहे हो वो है तुम्हारी सेवा, और साधना मतलब तुम्हारी तुम्हारे प्रति की सतत जागृति, ये दोनों काम एक साथ चलेंगे तो काम होगा, एक चले तुम सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम बाहर सबके प्रति
बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन अंदर स्वरूप के प्रति, अपने चैतन्य के प्रति होश से नहीं भरे, तो तुम्हारा काम डबल टाइम मांगेगा, डबल टाइम। और डबल टाइम में मेरे को लगता नहीं कि कभी खत्म हो। और इसीलिए अभी हमने ना सत्संग को एक नया ट्विस्ट दे दिया, हम लोगों के अंदर ये चलता है, क्योंकि बॉम्बे के सत्संग में भी 166 वचनामृत लिया तो उसकी आखिरी लाइन थी मार्ग दो शब्दों में रहा है। क्या थी लाइन? मार्ग में अक्षर में रहो छेज आगे पकड़ेगा। બે અક્ષરમાં માર્ગ રહ્યો છે અને અનાદિકાળથી એટલું બધું કર્યા છતાં શા માટે પ્રાપ્ત થયો નથી તે વિચારો। માર્ગ દો હી અક્ષર મે રહ્યો, પૂરા પૂરા માર્ગ, જસ્ટ ટુ અક્ષર, ટુ શબ્દ ભી નહીં, અલ્ફાબેટ્સ, દો શબ્દ ભી નહીં। અભી તક હમ કહેતે થે કે દો અક્ષર હે પ્રેમ, लेकिन बॉम्बे के सत्संग से हमने, क्योंकि अब टाइम कम हमें नजर आ रहा है, इसलिए हमने दो अक्षर को दो ढंग से इंटरप्रेट किया। बाहर प्रेम, अंदर ध्यान। ध्यान भी दो ही अक्षर है, ढाई को दो ही मानते हैं, राउंड ऑफ करने का सिस्टम है यहाँ भी, तो ढाई को दो ही मान के चलो। तो बाहर प्रेम यानी बाहर सेवा और भीतर ध्यान यानी साधना, ये दोनों तुम्हारे लिए, इन दोनों की मैत्री से ना मार्ग बनेगा। खाली प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम हो, लेकिन अंदर स्वरूप की सजगता ना हो तो भी काम ना होगा। और खाली स्वरूप की सजगता है लेकिन बाहर लोगों के प्रति तुम्हें प्रेम, करुणा, मैत्री, इनकी फीलिंग नहीं है तो भी काम नहीं होगा। मैं अपना जानू, वो अपना जाने, ऐसी नहीं। मैं अपना भी जानू और उनको भी इस जानने के मार्ग पर प्रेरित करूं, ये एक मिशन का फोकस है। तो साधना और सेवा दोनों अब पैरेलल चलेगी। पहले सेवा, बाद में साधना, ये एंगल भी हटाओ, और पहले साधना और बाद में सेवा, ये एंगल भी नहीं चलेगा, दोनों इकट्ठे चलेंगे। और ये हो सकता है ना? नहीं तो तुम बहुत सेवा करोगे ना तो तुम्हें सेवा का भी अहंकार हो सकता है। बहुत सेवा, सेवा हम कर लेते ना, अलग अलग टाइप की सेवा, किसी ने मिशन के लिए ये किया, किसी ने वो किया, किसी ने किसी भी धर्म के कार्य के लिए अलग अलग सेवा की, और फिर तुम उसको गिनाने बैठोगे, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। लेकिन यदि पैरेलल साधना चलेगी तो अहंकार तुम्हारा गिरता जाएगा, ये सब तुम्हारे बस जानने में आएगा और अंदर तुम्हारा स्वरूप शुद्ध होता जाएगा। ये चाहिए, खाली सेवा नहीं। और सेवा भी क्या है? अभी तक हमने सेवा का अर्थ पता क्या लिया था कि टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, गरीबों की सेवा करना, बीमारों का ध्यान रखना, गरीबों को खाना खिलाना, अंधों को राशन भिजवाना, ये टू डू जो सेट ऑफ वर्क हम यहां कर रहे हैं ना, जैसे घर में हम खाना खिलाते हैं, घर में भी कोई बीमार होता है तो उसका हम ध्यान रखते हैं, ऐसा ही डिफरेंट सेट ऑफ वर्क करना जिसे हम सेवा मानते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ऐसा नहीं। टू डू डिफरेंट सेट ऑफ वर्क इज नॉट सेवा, पर टू डू एनी सेट ऑफ वर्क विद डिफरेंट सेट ऑफ माइंड इज सेवा। समझ में आया? अखी के मुंह पे हंसे आ गए। नॉट टू डू डिफरेंट सेट ऑफ वर्क इज सेवा के, अब पूरे हफ्ते तो ऐसा, हम लोगों ने बहुत लोग देखे हैं, पूरे हफ्ते तो संसार उलझन उलझे हैं, संडे को अब किसी मिशनरी में जाएंगे, वहां पे बीमारों की सेवा करेंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां थोड़ी दवाइयों की सेवा देकर आएंगे, फिर अखबारों को आजकल लोग इकट्ठे करते हैं, पस्ती इकट्ठी करके उसको बेच के जो पैसा आता है उसको फिर किसी अनाथ आश्रम में देंगे, अच्छे काम में लगाएंगे। दे फील दिस इज सेवा। एट द एंड ऑफ 6 days यू आर एंटेंगलिंग इनटू सेवा। नो, सेवा इज नॉट एट ऑल अनदर सेट ऑफ वर्क, कोई दूसरा ही कार्य नहीं है, लेकिन हर कार्य जब अलग ढंग से किया जाता है, अलग मान्यता से किया जाता है, अलग दृष्टिकोण से किया जाता है, यानी कि साधक के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे सेवा कहा जाता है। ये ज्ञानियों का मत है, श्रीमद के वचन के आधार पर हम कह रहे हैं। सेवा क्या है?
खाना खिला दिया, भिखारी को पैसा दे दिया, बीमार की सेवा कर दी, तो वो सब नहीं है सेवा। कोई भी काम तुम डिफरेंट सेट ऑफ माइंड से जब करते हो ना, और डिफरेंट सेट ऑफ माइंड मतलब तुम्हारा साधकपना, तुम्हारा सेल्फलेस, लेकिन उसमें सेल्फ अवेयरनेस रहे, बाहर सेल्फिशनेस चली जाए लेकिन अंदर सेल्फ अवेयरनेस रहे, दिस इज। अब ये मिशन का एम हो गया। अभी तक वो 9 सीडी में से कुछ चेंजमेंट कराना तो करा देना, नहीं तो फिर वो सब भूतकाल समझ के हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये जिंदगी भाग रही है। और अगर तुम हमारे साथ मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो हमारी रफ्तार से भागना पड़ेगा कि नहीं। तुम अभी भी उस वाले प्रिजम्पशन पे रहोगे तो ये प्रिजम्पशन तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। उस टाइम वो सच था, आज ये सच है, दोनों इकट्ठे पैरेलल चलेंगे। तुम्हें पता है दो टाइप के लॉयर्स होते हैं, दो टाइप, कैसे कैटेगराइज करें? सिविल क्रिमिनल, अभी तो ये साइबर लॉयर्स का बड़ा फैशन चला है, साइबर लॉयर्स भी बहुत है, गुड और ग्रेट, गुड और बैड नहीं। हम लोगों की जिंदगी में से बैड अब निकालो, बैड तो कुछ होता ही नहीं हमारी जिंदगी, अच्छा और बुरा नहीं, अच्छा और बहुत अच्छा, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग अपने जीवन में प्रयोग? हम लोगों की जिंदगी में कुछ बुरा तो होता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं बुरा। ओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा किसी ने तुम्हें उपसर्ग दिया था, बड़ा बुरा? नहीं नहीं बहुत अच्छा, ग्रेट, उस उपसर्ग से मैं महावीर के मार्ग को पहचान पाई। तो समझो चलो दो तरह के लॉयर्स हम रखे हैं, गुड एंड बैड, नहीं गुड एंड ग्रेट, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम है गुड का अपोजिट दूसरा होगा ग्रेट। तुम लोगों के माइंड में बैड चल रहा होगा पहले, लेकिन अब गुड एंड ग्रेट। गुड लॉयर इज द वन हु नोज लॉज वेरी वेल, जिसे सारे लॉज बहुत अच्छे से पता है। और नहीं, और ग्रेट लॉयर है जो जज को जानता है। गुड भक्त, और अब हमारे जीवन में दो टाइप के साधक या भक्त आएंगे, गुड भक्त और बैड भक्त नहीं, गुड एंड ग्रेट भक्त। गुड जो सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से जानता है, सिद्धांतों को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन ग्रेट साधक इज द वन जो भगवान को अच्छे से जानता है, भगवत स्वरूप को अच्छे से जानता है, प्रेम को अच्छे से जानता है। इसीलिए ज्ञानी क्या कहते हैं ना, श्रीमद् भी बहुत सुंदर लिखते हैं कि ज्ञानी के पास जाके ना तो ज्ञान मत मांगना, क्या मांगना? भक्ति। लॉज की पहचान, सिद्धांतों की पहचान मांगना गुड लॉयर हो सकता है, लेकिन ग्रेट नहीं हो सकता। गुडनेस विल नॉट टर्न इनटू ग्रेटनेस। ज्ञानी के पास जाके ज्ञान के मुझे सारा तथ्य तुम पूरी आत्मसिद्धि समझा दो, एक्चुअली हमारी बारी क्या है, दूसरे पद की बारी है। ज्ञान पूरा समझने की चेष्टा मत रखना, भक्ति मांगना, और ये भक्ति में ये शक्ति है कि तुम्हारे ज्ञान को इंप्लीमेंट कराएगी। भक्ति के अंदर ये ताकत है, तुम्हारे प्रेम में वो ताकत है कि ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन करने का फोर्स ना इस भक्ति में से आता है। इसलिए अभी बाबा जी ने बता रहे थे धर्म को जब हम गए थे कि दुर्योधन के पास में श्री कृष्ण आए, दुर्योधन ने कहा तुम मेरे पास मत रहो, बताए पापा, तुम जाओ कृष्ण के कैंप में। क्यों? बिकॉज कृष्ण मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सही क्या है गलत क्या है। तुम लोगों को जीवन में पता है कि नहीं पता, तुम राइट कर रहे हो तो रॉन्ग कर रहे हो, तुम्हें पता होता है कि नहीं पता? तुम क्रोध कर रहे हो, तुम राग कर रहे हो, तुम विकार में जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम गलत कर रहे हो। इसलिए दुर्योधन श्री कृष्ण से बोले कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये युद्ध जो है खाली मेरी वासना का प्रतिफल है, मेरे अहंकार का प्रतिफल है, ये युद्ध जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। मैं जानता हूं मैं पांडवों के साथ बहुत अन्याय कर रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे पास सब ज्ञान है, बट सॉरी कृष्ण मेरे पास भक्ति नहीं है कि मैं इस ज्ञान को इंप्लीमेंट कर सकूं, मेरे पास वो ताकत नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो सत्य के प्रति का अहोभाव नहीं है कि मैं इस बात को इंप्लीमेंट कर सकूं। तुम जाओ अर्जुन के पक्ष में, उससे वो बड़ा कंफ्यूज धार्मिक है, अपना इधर में था ना जो कंफ्यूज धार्मिक, उसको सच और गलत के बीच में पता ही नहीं है कुछ,
उसे मालूम ही नहीं है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अभी धर्म संकट में पड़ा है। तुम उसके कैंप में जाओ और अर्जुन को समझाओ कि सही क्या है, गलत क्या है, वो भक्त है। इसलिए तुम जैसे ही समझाओगे ना कि ये युद्ध करना अभी राइट है, वो गलत को छोड़ेगा और हम सबका सत्यानाश करेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे पास जीवन में बहुत ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है। और अर्जुन के पास ज्ञान नहीं है लेकिन भक्ति है। तुम्हारे पास भक्ति होगी ना तो ज्ञान देने वाला कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास भक्ति नहीं होगी ना तो तुम सालों से सुन रहे हो, कितने सालों से हमको सुन रहे हो, 9-10 साल तो पक्का, उससे पहले भी लेटर्स के माध्यम से भी तो सुना मुझे, कितने 15 साल से लेटर्स, 15 साल पहले से लेटर्स लिख रहे, तब लिखती थी, अब फिर ये वॉकी टॉकी जैसा सिस्टम है, पहले ऐसा उसमें चल रहा था, अभी बोलने सीधा सामने आ गए और कभी कभी सीधा प्रहार भी हो जाता है एकदम सामने। तो इतने साल हो गए यही बात सुन रहे हो, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या राइट है कि क्या रॉन्ग है। तुम्हें स्व का कार्य करना चाहिए, पर का नहीं। तुम्हें आत्मा में स्थिरता साधनी चाहिए, तुम्हें पर का ध्येय हटा, ये सब तुम्हें नहीं पता चला, लेकिन फिर भी अभी अनुभव रस में डूबते नहीं, बिकॉज भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। लोग वेरी प्रिसाइज, प्रेम नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी के पास जाके ना ज्ञान मत मांगना, ज्ञानी के पास जाके भक्ति, कितनी अजीब बात है लेकिन वेरी ट्रू। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब तक ये भक्ति नहीं आएगी ना, तब तक चाहे कितना भी ज्ञान हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं आएगा ना एक सत्पुरुष के प्रति, उसके मार्ग के प्रति, उसके जीवन के प्रति अहोभाव नहीं आएगा ना, तब तक चाहे कितना भी ज्ञान हो, सब तुम्हारा बेकार है। तुम इम्प्लीमेंट करने की जो इनविजिबल शक्ति है ना, आज तुम्हें आंख बंद करके स्वरूप में स्थिर होने की इनविजिबल शक्ति लोगों की भक्ति से तुम्हें मिली, इनविजिबल शक्ति। क्या ये ज्ञान नहीं था तुम्हें, तुमसे और जोड़ी शब्दों का नॉलेज नहीं था, तुमने तो सुनी थी कितनी बार ये भक्ति, शब्दों का ज्ञान तुम्हें पूरा था लेकिन उसमें स्थिरता की जो शक्ति आई ना, दैट इज भक्ति। तो अब क्या चाहिए हमें जीवन की, और इसलिए हम लोगों के ऊपर बहुत अच्छा लेबल है, हम लोगों ने भक्ति मंडल चालू किया है, हम लोगों के बारे में ऐसा है, कोई बात नहीं, भक्ति मंडल कहो तो बहुत अच्छा। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें भक्त बना दो ना, वही बहुत बड़ी बात। तो अभी भक्ति मंडल श्रीमद राजचंद्र मिशन के नाम से जो फेमस हो रहा है अब धीरे धीरे, तो तुम लोगों को भक्ति मंडल कभी बोले तो घबराना मत, नोबडी इज बैड, ही इज वेरी गुड, एंड इनफैक्ट यू हैव टू रीच टू दैट स्टेट ऑफ ग्रेटनेस। इज भक्ति मतलब मेरे अंदर शक्ति का आविर्भाव हो जिससे मैं स्वरूप में स्थिर हो सकूं। तो बात तो यही करनी थी कि जीवन में ध्येय किस चीज का होना चाहिए, भक्त बनने का, ज्ञानी बनने का नहीं। और सब ज्ञानी भक्त होते हैं, वापस ये भी बता दो तुम्हें। अभी हम लोग एक सीडी देख रहे थे उस दिन रात को बाबा जी की, ज्ञानी है, कितना कितना बोल लेते हैं, बाप रे इतनी नॉलेज है, सब कुछ है, और वो कितना रो रहे थे, आप लोगों ने देखे, आपने भी देखे ना, कितना रो रहे थे, मतलब कोई नया नहीं सुन रहे थे लेकिन वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आप लोग देखना एक बार। और मुझे पार्क ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि मम्मी क्या होता है कि लोग रो पाते हैं, और इस बार प्रभु कह रहे थे ना कि भक्त क्या मांगता है पता है, भक्त मोक्ष नहीं मांगता, भगवान भी नहीं मांगता, भक्त शिक्षा भी नहीं मांगता, भक्त की यदि भगवान के पास कोई मांग है, वैसे तो ज्ञान दृष्टि कहेगी कि कोई मांग ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कुछ मांगना चाहता है ना तो वो केवल आंसू मांगता है। कि आंसू ये वेदन के बिना नहीं होते, तुम्हें अंदर जब वेदन होगा ना तब तुम्हें आंसू आएंगे। तो जब भी भक्त भगवान के पास कुछ मांगता है ना तो एक ही चीज, और वो है आंसू। और वो यही पूछ रहा था कि माँ इनको आंसू कैसे आते हैं, बापा वहां स्टेज पे बैठे बैठे इतना रो क्यों रहे हैं, वो लोग भक्ति गा रहे हैं अपना, वो भी रो रहे थे ना, गाने वाले भी रो रहे हैं, सुनने वाले भी रो रहे हैं, इतना एक करुण माहौल। वैलेंटाइन डे की भक्ति थी लास्ट ईयर की, हम लोग उनकी डीवीडी देख रहे थे, इतनी अच्छी भक्ति, और बीच बीच में जो राधा कृष्ण की सारी बातें चल रही थी इतनी सुंदर बातें थी, लेकिन बस खाली रोए जा रहे हैं। मतलब वो हृदय कितना कोमल बनाया था, इस कोमलता के बिना ना तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे ना तब तक तुम्हारा अंतस
खाली नहीं हो पाएगा। अंतस जो गंदगी से भरा हुआ है ना, तुम कितना भी अपने कपड़ों पे साबुन लगा लो, लेकिन यदि पानी नहीं डालोगे तो क्या वो मैल कभी उतरेगा? ये ज्ञान साबुन जैसा है। ज्ञान रूपी साबुन तुम कितना भी लगा लो अपने इस मैले आत्मा के ऊपर, तुम्हारे इन विचारों के ऊपर, लेकिन भक्ति रूपी पानी जब तक इस पर नहीं डलेगा तो ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान और जो मैला कपड़ा था वो दोनों मिलके तो कपड़े को और ज्यादा यूजलेस बनाएंगे। बिना साबुन का कपड़ा तो मैला होता फिर भी पहन पाते हैं, ऐसा नहीं कपड़ा ही आज मेरा मैला हो जाए तो बिना धोए में से दोबारा मैला कपड़ा पहनूंगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे, प्रभु मैला कपड़ा पहन के आए, लेकिन इस पे साबुन घिसके फिर छोड़ के छोड़ दो तो ये पहनने के लायक है फिर पूरा साबुन से घिसा हुआ? तो तुम भी खाली ज्ञान लेके छोड़ दो, भक्ति ना हो साथ में, भक्ति रूपी पानी साथ में ना हो तो वो कपड़ा, ये तुम्हारे सारा प्रयास, तुम्हारा सारा पुरुषार्थ बेकार इस जीवन का। और बहुत ऐसे लोग हैं, अभी अपार्टमेंट में हमारा जो सत्संग चल रहा था ना, वहां ज्ञानी बहुत है। ज्ञानी मतलब वही नॉट आत्मज्ञानी वाले, लेकिन हाँ मतलब उन्हें नॉलेज बिल्कुल है कि उपादान में काम है, निमित्त का कुछ काम है, ऐसा सब कुछ पूरा नॉलेज है। तो इस बार तो सारा वहां निमित्त उपादान के ऊपर ही चला, लेकिन उनको यही समझाया कि तुम्हारे पास ज्ञान प्रॉपर है लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। ऐसे साबुन लगा लगा के हर कपड़े को छोड़ दिया है और कोई कपड़ा पहनने लायक नहीं रहा। मेरे पास तीन चुन्नी हो, तीनों पे साबुन लगा के छोड़ दो तो क्या पहन के हो? तुमने हर साधु का, हर संत का, हर महात्मा का आश्रय लिया, वो आए ना तुम्हारे अपार्टमेंट में, तो तुमने आश्रय लिया लेकिन ज्ञान बहुत लिया उनसे, साबुन लगाया लेकिन उनके प्रति प्रेम से, अहोभाव से, आश्रय भाव से नहीं बना। आश्रय मतलब उनके अधीन जाना, बराबर बोल रही हूं मैं, अधीन जाना, गुलामी करना, गुलामी भी बोल दो, एक तरफ बोल रहे हो स्वतंत्र सत्ता है और दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। भक्त का हृदय ना एक्सेप्ट करेगा, ज्ञानी का हृदय, सो कॉल्ड ज्ञान से जो भरे हैं उनका हृदय एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्वतंत्रता का मार्ग है, जो काम करना है अपने अंदर करना है, हम क्यों किसी के अधीन रहे? मतलब तुम साबुन लगा लगा के कपड़ों को पहनने लायक नहीं छोड़ रहे, तुमने काफी समागम किए, काफी आश्रयों में गए लेकिन तुमने आज्ञा में नहीं आए ना, तुम किसी एक की आज्ञा में नहीं आए ना, इसलिए तुम्हारा मोक्ष मार्ग रुंधेलु छे, कहिए ना रुंधेलु छे। एक्चुअल में यू नेवर अंडरस्टैंड कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो उन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है कि करने का तो सारा काम उपादान में, और इसलिए उनको यही समझाया कि यही तुमने मार्ग के क्रम के अंदर गड़बड़ की है। तुम निमित्त से सुनते हो, निमित्त से ही सुनोगे ना कि आत्मा के अंदर काम करना है, और ये सारा वर्णन कोई निमित्त से तुम्हारे को सुनने में आता है। जब तुम सुनते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ होता है कि ये करना है, जिसके प्रति हुआ उसके प्रति अहोभाव बढ़ाने के बदले तुम सीधा उपादान में काम करने लगो, काम करने लगो, काम करने लगो, काम होगा? कैसे कह सकते हो तुम लोग? नहीं होगा, होता ही नहीं है। जो अनादि काल की मलिनता है उसके लिए वापस ऐसा वेग चाहिए, ऐसा भरावा चाहिए, ऐसे पूर चाहिए, पूर हम लोग बोलते हैं फ्लड्स, कि जिससे अंदर तुम्हारी पात्रता को धक्का लगे, तुम्हारी पात्रता बने। तुम बस एक ज्ञानी से ज्ञान ले लिया, अब मैं अपना करूं, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब मैं जो शोध करनी है अपने भीतर करनी है ना, करने लगो, तुम लोग मार्ग का क्रम तोड़ रहे हो। तुम निमित्त के प्रति इतने अहोभाव से भरते हो, इतना प्रेम से भरते हो कि अब उसकी गुलामी, उसकी अधीनता करना भी तुम्हें मंजूर हो जाता है। ऐसा तुम उनसे आज्ञा लेकर जीवन व्यतीत करना अपना शुरू करते हो, और जब ये आज्ञा अधीनता आती है ना तो उपादान में अपने आप काम शुरू हो जाता है, तुम्हारा अहंकार टूटने लगता है, तुम्हारे बाहर के संग छूटने लगते हैं। ये चाहिए, बहुत सुनने का रसिक मत होना। हम तो सुनाएंगे, हम तो भी ये करेंगे, इसके बाद आत्मसिद्धि के बाद भी कुछ तो चलता ही रहेगा ना, यहाँ सत्संग है तो शून्य भाव में तो नहीं रह सकते अभी, तो कुछ ना कुछ शब्द तो चलते रहेंगे, लेकिन जब तक तुम प्रेम से
भक्ति से नहीं भरोगे, अहोभाव से नहीं भरोगे, तुम्हारा ज्ञान परिणमन करने के लायक नहीं बनेगा। इस परिणमन के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भक्ति नाम का तत्व चाहिए। और भक्ति मतलब भक्ति मंडल के साधकों, भक्ति मतलब प्रेम, निष्काम प्रेम बाहर और भीतर सतत इंट्रोस्पेक्शन। अभी आए अपने विषय के ऊपर, कहाँ पहुंचे हम? ये तत्व इतना नीरस लगता है ना मुझे, इसलिए मुझे लगता है कि पहले कुछ और बातें करके उसके बाद तत्व के ऊपर जाएं। और नीरस पता है क्यों लगता है? आज ये पार्थ को, अखी को समझाना हो ना, ये कृति को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम सब इतने ज्ञानी बैठे हो ना सामने, इसलिए तुम लोगों को समझाना इतना कठिन हो जाता है। तुम कहोगे आत्मा है, हमें पता है, आप क्या बारह बारह गाथा से एक एक बात समझा रहे हो, और ऊपर से वो नित्य है, हमको ये भी पता है। तो अभी दूसरा पद नित्य का आ रहा है ना, अब आत्मा नित्य है तुमको तो पता ही है ना अब, लेकिन फिर भी अब मेरा जो काम है पहले उसे नित्य नहीं है ऐसा प्रूव करेंगे, फिर वो नित्य है ऐसा प्रूव करेंगे, तो वो पंडितों के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चे हो ना अगर, तो बड़ा मजा आता है। बिल्कुल भक्त बनो प्रभु। मैं जब धर्मपुर क्यों इतनी उसका खिंचाव रहता है मेरे को जाने का, क्यों इतना मन करता है, उसका रीजन आज हम आपको बताएं। ऐसा नहीं है कि वहां पर मुझे ज्ञान मिलता है, ज्ञान बहुत है, इन शास्त्रों से ही मिला है, और जो फूटता है वो तो अंदर से ही फूट रहा है। लेकिन मैं उन लोगों की जो दशा है देखती हूँ ना, गाते गाते रो रहे हैं, बापा सुनते सुनते रो रहे हैं, और मतलब जो उनका उल्लास, जो उनका डेडिकेशन देखती हूँ ना, कभी किसी को चलना ना उनको बोलना, आप लोग राजीव भाई चलो एक बार धर्म हम लोग के साथ, संजय प्रभु वगैरह तो आए हैं, आप लोग जयश्री प्रभु देखा, डेडिकेशन कैसे वो लोग काम करते हैं, उनकी सेवा और साधना पैरेलल चल रही है, मुझे बिल्कुल समझ में आता है। बिल्कुल अभी हम जब गए थे वर्ल्ड कप का फाइनल था, दो तारीख वर्ल्ड कप का फाइनल, उनका वानखेड़ा स्टेडियम पूरा भरा के मुझे मालूम नहीं, लेकिन बापा का सत्संग और 2500 लोगों का पैक था, कहीं पर किसी को बैठने की जगह नहीं थी। ये दुष्यंत काल में वहां देख के कह ही नहीं सकते, कोई दुष्यंत काल नहीं है, हाँ वहां बिल्कुल चौथा राजा था। 2500 लोग वानखेड़े स्टेडियम के क्रिकेट के क्रेज को छोड़कर वहां पर बैठे हुए हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें वहां एकदम आगे बैठने को मिलता है, तो हम लोग देखते हैं उसमें, ये तो काफी आगे बैठता है, तो पूरा उनका जो सिस्टम होता है ना पैनल, वहां पे काफी सारे लैपटॉप्स लगे हैं, काफी कुछ। अभी तो वहां पे सत्संग हुआ नहीं क्योंकि सीडी रेडी है, इतनी फास्ट उनका सारा काम। व्हाई? बिकॉज दे आर डेडिकेट, नॉट दैट बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट बन गए होंगे आप, लेकिन डेडिकेटेड इतने हैं ना कि अभी ये हुआ और काम खत्म। एक सीडी में वो पीछे उन्होंने कहा भी, जैसे आपने अभी चाइल्डिश चाइल्ड की बात की, बोले चाइल्ड इसलिए इजी रहता है क्योंकि चाइल्ड एक्सेप्ट करने को रेडी रहता है, ब्लैंक ब्लैक बोर्ड है, हाँ, तुम लोग लिखा है, लेकिन सबको यही बोले थे, अब तुम जिस लेवल पे हो तो चाइल्डिश नहीं बनना है, चाइल्ड लाइफ बनना, चाइल्ड लाइफ। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग ऑफ बुद्ध, कि तुम्हें चाइल्डिश नहीं बनना, चाइल्ड लाइफ बनना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो बच्चे जैसा है ना वो पा जाता है, तो बच्चा पा जाता है क्या? तुम्हें जीवन के अनुभवों से गुजर कर फिर भी तुम बच्चे जैसे सरल हो, बच्चे की तरह हंस सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो, नाच सकते हो, तो अब तुम चाइल्ड लाइक बने, चाइल्डिश नहीं। और वहां के लोग स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर हो रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से जा रही हूँ वहां, और मैं उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को फील कर रही हूँ। जो पहले मैं 2 साल पहले गई थी और तब वहां पे जो एटमोसफियर था और आज वहां पे जो एटमोसफियर है, इन दोनों में बहुत बहुत अंतर आ गया, वाइड गैप इन दिस 2 ईयर्स। मैं आप लोगों में भी उस मैच्योरिटी को देख पा रही हूँ, और वहां पे मैं जाती हूँ ना तो मैं भक्ति देखने जाती हूँ कि उनकी क्या भक्ति है, क्या समर्पण है, क्या डेडिकेशन है। छलांग मार के मौलिक को इस बार क्या हुआ, पापा की घड़ी बंद हो गई, कुछ हुआ तो वो उनकी घड़ी में जो भक्ति का टाइम भी काफी आगे चला गया, लेकिन वो बापा का इशारा नहीं आया ना, इसलिए उन्होंने भक्ति गाते रहे, ऐसा कुछ हुआ था, तो भक्ति चलती रही वहां पर, और वो बापा की घड़ी बंद इसलिए कुछ पता ही नहीं। तो अचानक पापा को लगा कुछ ज्यादा टाइम हो गया है, तो देखा तो मेरी घड़ी बंद, बोला कि ये तो बंद है, वो
भक्ति कर रहा, आंख बंद थी लेकिन उसे बंद आंखों में भी गुरु का इशारा समझ में आता है, इतना मुझे लगा। छलांग मार के सीधा स्टेज के ऊपर घड़ी देने, ऐसी उनकी समर्पण, ऐसी उनकी अवेयरनेस। अभी तो एक बार हम गए थे ना, तो बाबा कुछ पाइनएप्पल पुडिंग की कुछ पोयम की बात कर रहे थे, नहीं पाइनएप्पल, वो बटरफ्लाई ऑन पाइनएप्पल पुडिंग की, और बाबा को वो याद नहीं आ रही थी। कहते मैंने बचपन में कभी ऐसी पोयम पढ़ी थी कि जिसका मीनिंग बहुत अच्छा था, कि एक बटरफ्लाई पाइनएप्पल पुडिंग के ऊपर जाती है फिर उसी में फंस जाती है। अभी बोल रहे हैं ना, यहाँ इनके इंटरनेट पे वो फाइंड आउट हो गई, और 5 मिनट के अंदर मौलिक भाई छलांग लगा के स्टेज के ऊपर थे कि ये लो वो पोयम तुम्हारी निकाल दी। और वो ऐसा नहीं, जितनी देर उन्होंने ये काम किया ना, उतनी देर उन्होंने जो उनका जो दूसरा ऑडियो वीडियो का काम है वो चुक गया, सब चल रहा। इसीलिए इस बार ही क्लैप फॉर दिस मौलिक भाई, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मौलिक भाई यहाँ भी आए थे, ही क्लैप फॉर हिम कि इस लड़के को 25 सेवा दो ना तो वो तो टाइम पे खत्म होती है, साथ में 25वें के अंदर 26वें सेवा डालो ना तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगता। He tries to finish it in that deadline only. और मुझे उन लोगों का ये डेडिकेशन ना बहुत अच्छा है। और इन सब पे भी एक आइसिंग की बात करूं आपको, ये तो सब केक है। केक के ऊपर मजा किस चीज का होता है? चेरी का और आइसिंग का। आइसिंग ना तब तक केक कौन खाए? बापा जब हमारे घर आए थे ना तो उन्होंने, हम चार जने बैठे थे, हम लोग 5 जने आप भी थे, हम लोग बैठे थे रात को 1:30-2 बजे तक, तो उन्होंने हमें क्या कहा पता है? आइसिंग है ये मेरे लिए, बाकी जिसको जो मानना है कि तुम लोगों में मुझे मेरा अतीत नजर आता है, तुम लोगों के अंदर तुम्हारा जो जोश है, तुम्हारा जो भक्ति भाव है, तुम्हारा जो डेडिकेशन है, तुम्हारी जो ज्ञान की क्लैरिटी है, आई कैन सी व्हाट यू वर 20 इयर्स बैक। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बिकॉज आइसिंग किसे नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन अब प्रमाण देना है, किसी सतपुरुष के वचन व्यर्थ ना जाए। प्रभु उनको आपके यहाँ पे मौलिक भाई भी दिखे होंगे, सारे ही दिखे हैं। मौलिक भाई है, ये हमारे सारे मौलिक भाई ही है, यही मौलिक भाई है। MBA ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया से MBA पढ़कर आया है। उसके MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? और कहा कि अब इस अहंकार के साथ तू जीना चाहता है कि इस अहंकार को छोड़ के मेरे साथ जीना चाहता है, नक्की कर। और उसने MBA की डिग्री बापा के चरणों में रखी और बोला कि नहीं, मैं इस अहंकार को छोड़ के जीना चाहता हूँ। तो बापा ने कहा द प्रोसेस इज लॉन्ग, क्योंकि तुझे MBA की डिग्री लेने में 2 साल लगे होंगे, लेकिन ये मने बद्धू आबड़े ये तेरी मान्यता निकालने में मुझे 20 साल तेरे ऊपर काम करना पड़ेगा, तो चल आजा मेरी गैंग के अंदर और हम लोग काम करते हैं। इट वाज रियली वंडरफुल। मतलब वहां पर जाकर एक लाइवलीनेस, एक चीयरफुलनेस, एक स्पिरिट। मैं थोड़ी भी डल होती हूँ इन लोगों के साथ, मैं थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता है थोड़े थोड़े दिनों में, तो थोड़ा भी मैं इनसे झगड़ा करके ना डल हो जाती हूँ, फिर बोलते हैं हम अपना टिकट निकालो, फिर वहां से वापस चार्ज अप हो जाते हो। कैसा तो सब चलता है, ऐसे दुर्योधन तो हर जगह होते हैं, लेकिन दुर्योधन को अर्जुन ने कन्वर्ट करने का काम करने का है ना अपने को, तो फिर अपने वापस स्पिरिट से चलना। आज ना मैं टॉपिक प्रिपेयर करके नहीं आई, चलो जितना प्रिपेयर किया उतना बोल, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिट से भरना है तुम लोगों को, तत्व ज्ञान तो बहुत है। आपने ये आत्मा नित्य है ये समझा के भी तुम्हें तो पता ही है नित्य है। अब कोई है ऐसा कहने वाला कि आत्मा अनित्य है? कोई नहीं, फिर क्या समझाना, स्किप करें। श्री आत्मा सिद्धि गाथा 59, संसार शिष्य उवाच, आत्मा नित्य नहीं है ऐसा शिष्य कहता है। आत्मा नास्ति त्वया
आत्मा के अस्तित्व के विषय में आपने जो जो प्रकार कहे हैं उनका अंतर में विचार करने से उसका अस्तित्व संभव लगता है। आत्मा के अस्तित्व के जो जो आपने प्रकार बताए, सारी बात हुई ना। शिष्य क्या मानता था? देह को ही आत्मा मान लो, श्वासों श्वास को आत्मा मान लो, इंद्रियों को आत्मा मान लो, ये सारा बहुत सारा प्रश्न हुए थे ना, 6-7 प्रश्न थे। बोलो तो भी रिपीट करूं, और अगर पता है तो छोड़ दो। पहला तो बोला नथी दृष्टि में आओ, तो दृष्टि में आता नहीं है, और भी कोई अनुभव नहीं है। जैसे संगीत का अनुभव तो होता है हमें, भले दृष्टि में नहीं आता लेकिन संगीत का अनुभव है ना, ऐसे आत्मा का तो कोई अनुभव नहीं है। देह को आत्मा मानो, इंद्रिय को, प्राण को, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहीं मान लो, या फिर अंत में कहते हैं जैसे घटपट आदि दिखते हैं वैसे आत्मा नहीं दिखता, तो मैं आत्मा को मानने को तैयार नहीं। उसका सबका समाधान दिया श्री गुरु ने, हम लोगों को सेट होता है सारा तर्क उनका परफेक्ट। अब दूसरी शंका, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आत्मा के अस्तित्व का आपने जो भी कहा, जितने भी प्रकार बताए, वो सब मुझे मान्य हुए हैं, संभव तेनो थाए छे। कैसे अंतर विचार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी बार विचार है आत्मा सिद्धि में? 15, आप लोगों ने लिखे हुए ना सबने, 15 बार विचार है। एक और बार देखो, विचार विचार पूर्वक श्रद्धा करना, बस अगेन यही कह रहे हैं। शिष्य को श्रद्धा नहीं होगी लेकिन फिर भी उसको बार बार यही कि तेरी हर वचन की श्रद्धा ना विचार में से आनी चाहिए, पर फिर इतना विचारना नहीं चाहिए कि श्रद्धा के बदले और श्रद्धा में चले जाए। ऐसा भी होता है ना, बहुत हम लोग विचार लेते हैं, इतना विचार कि फिर श्रद्धा होने के बदले अंधविश्वास में या अश्रद्धा में चले जाते हैं। वो नहीं, इतना विचार कर निर्णय हुआ ये पक्का, अब बुद्धि को साइड रखो, उसके बाद अब हृदय से अपना काम शुरू करो। तो अंतर करिए विचार, आपने जो जो कहा आत्मा के विषय में उन सबको मान्य करके। अब शिष्य दूसरी शंका, पहली शंका भी एज इट इज है और मैं दूसरे पे जंप करता, ऐसा देखो शिष्य हड़बड़ी वाला नहीं है, शिष्य की कितनी गंभीरता दिखती है इसमें, और क्यों ना दिखे, कृपाणु खुद दिख रहे हैं लेकिन उसकी गंभीरता शिष्य होने का लक्षण बता रहे हैं। तुम्हारी एक शंका का निवारण नहीं हुआ ना, तब तक डोंट जंप ऑन टू द सेकेंड वन। कभी तुम इस मिशन के अंदर साथ में हो, तुम्हें किसी बात पे शंका हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, तो उस शंका का निवारण करना और तुम्हें निवारण मिले फिर उसको एक्सेप्ट करना, फिर तर्क मत करना। तुम चाहो तो तर्क करके हमारे बात को खंडित कर सकते हो, तुम भी कहोगे कि प्रभु जो करना है वो तो अंदर करना है, अब ये मिशन के झंझट में क्यों पड़ रहे हो, इतना बड़ा लैंड लिया, इतना बड़ा जो भी आप लोग करना शुरू करोगे क्यों, तुम्हें ये तर्क प्रश्न उठ सकता है कि नहीं संजय प्रभु? अब नहीं, कभी तो उठा था ये प्रश्न आप लोगों को उठ सकता है। अभी सुबह आ रहे थे आंटी गाड़ी में, मैं बता रहे थे अहमदाबाद से आए तो बड़े अच्छे अच्छे चटपटे क्वेश्चन लेकर आए हमारे लिए, के भाई ने बोला पहले जब मैं इन्वेस्ट किया तो सब पैसे तो गए तुम्हारे अब बोलेगा ना इतने लाखों रुपए तुम लोगों ने दिए हैं, तो कोई भी बोलेगा ना कि जो पहले भी तो तुम लोगों ने ऐसा कुछ आश्रम आश्रम बनाया था वो सब पैसे गए तुम लोगों के? मैंने तो इन्होंने बोला गए, मैंने कहा ऐसा नहीं, अभी तुम लोग मिशन लेके आगे चल रहे हो, हाँ गए नहीं गए ये वाली बात नहीं, तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए हर चीज का, मतलब तुम ही शंका में हो कि हाँ पैसे गए हमारे। बोलो तुम एक बार बिजनेस करते हो और तुम्हारे को बिजनेस में लॉस होता है तो तुम दूसरी बार बिजनेस नहीं करते क्या? और बिजनेस में लॉस का कारण कभी तुम खुद हो सकते हो, कभी सामने वाले की नीयत बदल जाए, ये हो सकता है कि नहीं? तो क्या तुम्हारा बिजनेस नाम के ऑर्गेनाइजेशन से विश्वास उठ जाता है? बिजनेस नाम के ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारा विश्वास उठ जाता है? नहीं, तब भी तुम कमाई के लिए वापिस, अब ज्यादा सावधानी के साथ ये याद रखना होगा, ज्यादा सावधानी के साथ, ज्यादा अहंकार शून्य के साथ, ज्यादा अवेयरनेस के साथ तुम दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, नहीं होता ऐसा? तो उनको जवाब देना कि वहां पे हमने इन्वेस्ट किया, उससे हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे जीवन में आगे जाके होने वाली गलतियों को सीखा है हमने और इसके हम आगे नहीं करेंगे, और वापिस अगर गलती हो जाए तो वापिस तीसरा करेंगे ये छोड़ के तीसरा करेंगे उसमें क्या, लेकिन आई डोंट थिंक अब होगी। जहां अब नॉलेज की क्लैरिटी है और साथ में भक्ति का आविर्भाव है, जहां अंदर से अहंकार छूट रहा है,
कि जो करते हुए भी अकर्ता होना चाहते हैं, मिशन का कर्ता होते हुए अकर्ता रहोगे ना, कर्ता होते हुए भी कर्ता होना चाहो ना तो तुम मिशन से बाहर चले जाओ। यहाँ तुम्हें करना सब कुछ है, सेवा के नाम यू हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्शन वेरी ब्यूटीफुली, लेकिन अकर्ता होके। और गजब क्या है पता है, श्रीमद कहते हैं ना, बाहर में लोगों को कर्ता रूपे देखा हूं पर साक्षी रूपे रहू। कला भी ऐसी है, बैलेंस का एक्ट इतना सुंदर है, दिखना सबको कर्ता रूपे कि तुमने किया, जब तुम करोगे तो तुमको ही बोलेंगे ना तुमने किया, दिखो कर्ता रूप लेकिन रहो। सेवा और साधना का कॉम्बिनेशन है, वही बात हम कर रहे हैं, परफेक्ट सेवा एंड साधना का कॉम्बिनेशन, दिस ब्लेंड हैज टू कम। तो तुम्हें शंका होगी जैसे, और दूसरा क्या प्रश्न पूछा, बापा जी से जुड़े लाज। हाँ हाँ, तुम बापा जी से जुड़े हुए हो, ये क्या उनकी चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, धर्मपुर की चेन यहाँ पर आगे बढ़ी है। मैंने कहा उसका भी जवाब लिख के जाना, बापा जी इज नॉट अ गुरु, ही आई हैव मेड अ ब्रदरली रिलेशन विद हिम, राखी बांधती हूँ उनको। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि क्या ये चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा कोई हम लोगों ने चेन है बिल्कुल उनकी चेन, श्रीमत की चेन 100% है ये, कि जैसा साइला आश्रम कर रहा है, जैसा आगास आश्रम कर रहा है, जैसा धर्मपुर आश्रम कर रहा है, वडवा कोबा जितने भी नाम लो, श्रीमत की चेन ऑफ आश्रम जरूर है लेकिन नॉट चेन ऑफ आश्रम्स दैट बिलोंग्स टू धर्मपुर। उनके साथ मेरी मैत्री है, मेरा संबंध है एक उनके साथ, और इसीलिए पिछली बार जब हम गए ना उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आपको शिष्य रूप में तो मेरे साथ कुछ आपका वेवलेंथ मैच नहीं करता हम दोनों का, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु रूप में ही ये है, तो उनको गुरु रूप में धारण करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मुझे राखी बांध, ताकि हम लोग एक रिलेशन में रहे, क्योंकि इस रिलेशन के बिना ना दुनिया करे सवाल तो क्या जवाब दे, तुम कौन हो यार। नहीं आते तुम पुराने वाले बहुत कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सारे गाने याद रखना, ये और सब गाने के सामने जवाब देना कि हाँ उन्होंने भाई मान लिया, बड़े भाई की तरह इस बार उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन देते हुए भी यही कहा कि एज अ गुरु मैं कुछ भी नहीं कहता तुम्हें, यू जस्ट गो बाय योर इंस्टिंक्ट, ये मेरा व्यू पॉइंट है, तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारे मिशन में कहीं मैच हो तो एक्सेप्ट इट, अदरवाइज रिजेक्ट इट। कितना बड़ा दिल है, और यहाँ आप लोगों से भी यही रहेगा, अगले सैटरडे रिचुअल है ना अपना, वी वांट टू मेक इट स्पिरिचुअल, रिचुअल है लेकिन उसे स्पिरिचुअल बनाना है। आप लोग भी मिशन के लिए कुछ भी व्यू पॉइंट देना चाहें तो दें, और जब दिया आपने तो अब वो किसका हुआ, व्यू पॉइंट। आपको लगे कि मिशन के लिए ऐसा करना चाहिए तो आपको देना जरूर, लेकिन दिया उसके बाद किसका, जिसको दिया उसका, अब वो उसे एक्सेप्ट करे तो मेरा, मैंने जो कहा था ना मेरा वाला बात, ये प्रभु को ना मेरे साथ ग्रज है, कभी मेरी बात तो मानते ही नहीं, ये ऐसी ग्रजेस में मत जाना। यू व्हेन यू गिव जस्ट गिव इट एंड नाउ यू स्टे रिलैक्स, होगा हो सकता अपने ही नाम से तुम्हारी बात कहे, लेकिन तुमने दे दिया ना बस, अब बात खत्म, अब नाउ लेट इट डिसॉल्व विद द इन द नेम ऑफ मिशन। स्वाति प्रभु नारायण, जय श्री प्रभु नारायण। और यहाँ ये भी व्यक्ति रूप में खड़ा ही नहीं, तुम डिसॉल्व होना सीखना, अच्छे से अच्छे व्यू पॉइंट्स देना, ये मत कहना कि हमें क्या देने की जरूरत है, सेवा तो करनी है ना, लेकिन साथ में साधना, कि मेरी बात नहीं मानी, जस्ट गिव इट एंड फॉरगेट, अंतर करिए विचार। तो कोई भी तुम्हें आप प्रश्न, मेरी बात तो आगे, उन्होंने कहा ना आगे प्रिपेयर्ड नहीं है, तो देखना आज श्रीमद की ऐसी ग्रेस रहेगी ना कि आगे बढ़ेगा ही नहीं है, बात ही याद आती रहेगी, आज सब कुछ प्रेम प्रधान ही हो रहा है, तो इसी आते इसी फ्लो में बात है, वो भी वो जानते हैं। तो तुमसे कोई भी प्रश्न पूछे मिशन के लिए, तो तुम्हारे पास सारे आंसर्स रेडी ना हो तो मुझे ईमेल करना, फोन करना, एसएमएस करना, लेकिन आंसर के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना।
सीधा शंका का हाँ पहले भी हमने तो किया था लेकिन अब गए वो पैसे नहीं, तुमने यू जस्ट पेड फॉर व्हाट यू लर्न, तुमने पेमेंट किया जो तुमने सीखा, और ये सीखना इतना सस्ता नहीं होता कभी भी, और ये सीखा है उसकी पेमेंट किया और वो अब दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो भी तुम्हें बोल रहा हूँ तुम कुछ भी बोल सकते हो, बट गिव द राइट मैसेज टू द पर्सन हु इज आस्किंग यू दिस थिंग, क्योंकि क्वेश्चन उठेंगे। अंत ये रविशिष्यर भी यही कर रहा है कि जो आपने कहा वो सारा मैंने सोचा विचारा, उसकी श्रद्धा अब गई। अब पांचवें पद के बाद वापस, अच्छा आत्मा है कि नहीं एक्चुअली में, मोक्ष के लिए करना जा रहे हैं हम, क्योंकि पांचवा पद क्या है, मोक्ष। मोक्ष है जब गुरु प्ररूपणा करेंगे तब शिष्य वापस फर्स्ट शंका नहीं लाएगा, तो आत्मा है कि नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आत्मा है, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे साथ भी क्या होता है ना, अभी तुम्हें समझाया क्लियर हो, बाकी जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ेंगे ना वापस क्वेश्चन आएगा, प्रभु ये सब फैलावा क्यों। हम थक चुके हैं, तुम थक चुके हो तो तुम अपने अंदर जाके आराम करो, मुझे मेरा काम करना, मेरा काम है अभी आगे श्रीमद के वचनों को और लोगों तक पहुंचाना, तुम्हें थोड़ा हेल्प वेल्प करो ना राजीव भाई, कोई अपने घर पे सत्संग वगैरह आयोजित करो आसपास के लोगों को, कर लो कर डालो और हमें इनवाइट कर दो। हमारे भरोसे नहीं होगा, हमारे भरोसे करने जाएंगे ना तो हम एक दिन यहाँ बिजी है एक दिन वहाँ बिजी है, और आप बोलोगे ना प्रभु हमारे घर आ जाओ इस दिन, इनवाइट कर दो तो हम लोग पहुंच जाएंगे, और लोगों को जोड़ो। क्या श्रीमद का मार्ग कितना स्पष्ट नहीं है, एकदम स्पष्ट मार्ग और एकदम स्पष्ट ढंग से चलना और आगे पहुंचना इस पुरुष ने हमें सिखाया, तो बस इच्छा यही है कि और लोगों तक बात जाए। कल हम गए थे महाराज जी के पास, मैंने कहा ना आज ही आगे बढ़ेगा ही नहीं, कल ही महाराज जी के पास गए थे कि हम दोनों कितने कंफ्यूज लोग भी थे और महाराज जी भी, उनके पास जो लोग बैठे थे वो भी कंफ्यूज और बेचारे महाराज जी भी, एक्चुअल क्या करना नहीं यही नहीं पता, और फिर दूसरे साथी मिले वो बहुत स्पष्ट, शी रियली न्यू व्हाट टू डू एंड शी रियली न्यू कि ये करना है, मैं नहीं कर पाती उतनी मेरी कचास है, बाकी करना तो यही है, नहीं कर पाती दैट इज अगेन माय प्रॉब्लम, लेकिन अब ऐसे नहीं और किसी और ढंग से मोक्ष मार्ग पर चलूं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात वहीं से हुई कि शॉर्टेस्ट कट है और लोग लॉन्ग कट लेते हैं, तो मैंने कहा महाराज जी लॉन्ग कट भी एक्चुअली कहीं पहुंचाता नहीं है, वो भी पहुंचाए तो तुम वहां से जाओ, तो कहते ये बात सही है, कहते शॉर्टेस्ट रास्ता यही है कि ये करना और वो हम नहीं करते, और इसलिए अलग अलग कभी इधर जुड़ते हैं कभी उधर जुड़ते हैं कभी यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तुम मार्ग पर चलना नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं होने वाला, और चलने के लिए क्या चाहिए, खूब सारा ज्ञान और ढेर सारी ज्ञान भी चाहिए जरूर, लेकिन बहुत थोड़ा भक्ति बहुत सारा, तो अपनी सारी शंकाओं को नष्ट करके फिर आगे अब चलो अगली गाथा। बीजी शंका काय ध्यान आत्मा नहीं अविनाश, देह योग की उपजे देह वियोग विनाश, अथवा वस्तु यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात नित्य नहीं है, तीनों कालों में रहने वाला पदार्थ नहीं है, मात्र देह के संयोग से उत्पन्न होता है और उसके वियोग से विनाश को प्राप्त होता है, अथवा वस्तु क्षण क्षण में बदलती हुई देखने में आती है, अर्थ सर्व वस्तु क्षणिक है और अनुभव से देखते हुए भी आत्मा नित्य मालूम नहीं होता। अभी शिष्य को दूसरे पद की जो शंका है उसमें क्या तर्क देता है शिष्य, कि दूसरी शंका मेरी ये है कि आत्मा को अविनाशी क्यों मानते हो, विनाशी मानो ना, आत्मा नित्य है कि प्ररूपणा शुरू हो रही है तो नित्य नहीं अनित्य मानो ना, और क्यों, कि देह के योग से उत्पन्न हुआ और देह के वियोग से नष्ट हुआ, तुमने कहीं घूमते हुए आत्माओं को देखा,
जब देह की उत्पत्ति होती है तो हम कहते हैं आत्मा है, और जब देह की का लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है देह, तब आत्मा नहीं है। तो आत्मा देह के संयोग से उत्पन्न होता है और देह के वियोग से नष्ट हो जाता है, ऐसा मानने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यह शिष्य की दलील है, ऐसा मानने हम लोग आगे पीछे, उससे पहले भी आत्मा था, उसके बाद भी आत्मा है, ऐसा आत्मा का अविनाशी पन्ना मानने की क्या जरूरत है? आत्मा का नित्य पन्ना मानने की क्या जरूरत है? आत्मा को शाश्वत जो तुम कहते हो, ये सब मानने की जरूरत क्या है? देह का संयोग हुआ और आत्मा उत्पन्न हुई, और देह का संयोग गया तो आत्मा खत्म हो गई। वो दारू का बहुत अच्छा दृष्टांत इसमें शास्त्रों में ही आता है कि जैसे दारू शराब के अंदर क्या होता है, द्राक्ष होती है, काली ब्लैक द्राक्ष, गुड़, पानी, धतूरे के फूल, ये चार चीजों से मिलकर शराब बनती है। धतूरे का फूल, ये गुड़, द्राक्ष और पानी, इन चारों के अंदर नशे का गुण नहीं है, लेकिन जब उनको एक प्रपोर्शन के अंदर इकट्ठा करके सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, सड़ी हुई चीज होती है ना, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो आफ्टर मेनी इयर्स वो अपने आप एक उसके अंदर मादक शक्ति आ जाती है, और इसलिए नशा उससे होता है। तो ऐसा ही हम जैसे पंचभूत इकट्ठे हो जाए और इन पांच भूतों को एक ऐसे ढंग से, पंचभूत पता है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब चीजें जब इकट्ठी हो जाती है तो उन सबके एक जो कॉम्बिनेशन, उनके मिश्रण से चेतन तत्व की उत्पत्ति होती है, और उनके चले जाने से चेतन तत्व का नाश हो जाता है, ऐसा मानने में क्या प्रॉब्लम है? अब तुम कहते हो आगे वाला आत्मा, फिर आगे भी जाके आत्मा है, ये सब इतना लंबा लंबा आत्मा को अविनाशी क्यों कहते हो? विनाशी कहो ना। अब तुम कहते हो आत्मा है तो मैं मानता हूं, क्योंकि पहले पद की शंका चली गई है। अब इसके अंदर पहले पद की शंका तो बिल्कुल नहीं रही, आत्मा है ऐसा माना, लेकिन ये आत्मा नित्य नहीं है, ऐसा शिष्य की दलील चल रही है। अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षण क्षण पलटा, वस्तु यानी यहाँ पे भाव लो, भाव हमारे क्षणिक है, क्षण क्षण में बदल रहे हैं। अभी देखो ना, थोड़ी देर पहले गुस्सा, थोड़ी देर के बाद उसी के प्रति क्षमा का भाव, थोड़ी देर के बाद प्रेम का भाव, थोड़ी देर के बाद क्रोध का भाव, थोड़ी देर के बाद निंदा का भाव, तुम्हारे अंदर ये भाव बदल रहे हैं कि नहीं? तो यदि आत्मा एक ही है तो भाव क्यों बदल रहे हैं इतने सारे? आत्मा एक ही है तो एक जैसा भाव क्यों नहीं रहता? एक्चुअली स्यादवाद की शुरुआत अब यहां से हो रही है, आत्मा सिद्धि के अंदर नाउ अनेकांतवाद इज एंटरिंग, नए अपेक्षा आगे शुरू करेंगे, द्रव्य गुण पर्याय का भेद यहां से शुरू होगा। तो दो शंका शिष्य ने पहली शंका क्या करी कि आत्मा को देह, इसके अंदर तर्क जो दिया कि देह के संयोग से आत्मा उत्पन्न होती है और देह के वियोग से आत्मा नष्ट हो जाती है, या फिर ऐसा माने कि वस्तु क्षणिक है, यानी कि आत्मा क्षणिक है, थोड़े ये आत्मा उत्पन्न हुई इसलिए मुझे प्रेम का भाव आया, ये आत्मा उत्पन्न हुई फिर वो आत्मा चली गई मर गई, दूसरी आत्मा उत्पन्न हुई इसलिए मुझे क्रोध का भाव आया। यदि एक ही आत्मा है तो उसे एक जैसा भाव क्यों नहीं रहता? यानी हमारी आत्मा क्षण क्षण में बदल रही है, ऐसा एक्चुअली बुद्धों का ये बुद्ध मत है। बुद्ध लोग आत्मा की क्षणिकता के ऊपर बहुत स्ट्रेस देते हैं कि क्षण भंगुर है, जैसे सब कुछ क्षणिक है, ऐसा बौद्ध मत आत्मा के अस्तित्व को भी क्षणिक मानता है। तो शिष्य के विचार पर बौद्ध मत की छाया यहाँ पर देखने में आती है, और इसलिए वो कह रहा है कि या तो अगर आत्मा को तो भी मानता तो हूं मैं, लेकिन क्षणिक मान लो, और या फिर देह के संयोगों से। जैसे ये लाइट है, स्विच चालू किया तो लाइट इस ये ट्यूबलाइट में से प्रकाश फैला, स्विच बंद किया प्रकाश चला, ऐसे ही जब देह आता है तो चेतना शक्ति आती है, और देह चला जाता है तो चेतना शक्ति चली गई यानी नष्ट हो गई, ऐसा क्यों नहीं मानते? क्योंकि मोक्ष तक पहुंचाना है ना, आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है, उस तक पहुंचाने के लिए अभी शिष्य दलील कर रहा है कि आत्मा विनाशी ही है, अनित्य है, और जब आत्मा अनित्य है तो मोक्ष की जरूरत क्या है?
जो चीज ऑलरेडी विनाशी है उसका मोक्ष यानी कि आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मान्यता ऐसी बैठ रही है कि आत्मा विनाशी तत्व है और जो विनाशी है उसके मोक्ष का क्या प्रयत्न। लेकिन अब सद्गुरु उसका समाधान देते हैं। सद्गुरु समाधान देह मात्र संयोग छे बड़ी जड़ चेतन में इनमें से चार में से कोई एक भी चीज बताओ है क्या?
चेतन की उत्पत्ति, जो देह जिसको तुम उत्पन्न होता देखते हो और नष्ट होता देखते हो, इसमें ये चार बातें हैं। संयोग से पैदा होती है, जड़ है, रूपी है और दृश्य है। अगर आत्मा भी पैदा होती है और मरती है तो फिर इन चार में से कोई एक लक्षण तो इसमें होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? वो आत्मा में बताओ किसी किसी संयोग से उसकी उत्पत्ति हो सकती है। जड़ यानी उसमें उसका तो विपरीत स्वभाव है, वो तो चेतन द्रव्य से भरी हुई है। रूपी मर्ण गंध रस स्पर्श कुछ भी उसमें होता नहीं है। और दृश्य यानी दिखती नहीं है। ध्यान में देखना है क्या करने का है? अनुभव। ध्यान के अंदर आत्मा अनुभव में आती है, सेल्फ रियलाइजेशन जैसा उन्होंने प्रभु ने बोला, ऐसी घटना घटने वाली है। देखने वेखने की धमाल में मत जाना। और कल ही प्रभु ने बोला मुझे कि प्रभु इसका मतलब जब तक दिखता है कुछ ध्यान में तब तक ये पक्का रखें कि वो आत्मा नहीं, वो भी आत्मा ही देख रही है। दृश्य है, दृष्टा अलग है। जब तक कुछ दिख रहा है तुम्हें उसका मतलब ही ये है कि अभी देखने वाला अलग है। और जब तक तुम देखने वाले के साथ एक में एक ना हो जाओ तब तक तुम्हें आत्म साक्षात्कार का लेबल नहीं मिल सकता। आत्म अनुभूति के लिए दृष्टा की इंपॉर्टेंस है, दृश्यों की नहीं। और ये सब हम लोग धीरे धीरे ध्यान मार्ग से देखेंगे। और इसके लिए अब वहां प्रभु का ना हमारे ध्यान बहुत अच्छा होता है। आप खुश हो जाओ अभी आप लोग मुझसे भी डरोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ध्यान अच्छा कब होता है ना, जैसे बहुत अच्छे दृश्य दिख जाते हैं, एकदम भगवान की प्रतिमा साक्षात उतर कर आ जाती है, लेकिन प्रभु वो दिख रही है ना, मतलब देखने वाला अलग है। मतलब तो हाईएस्ट पॉइंट कि भगवान भी तुम्हें दिख जाए लेकिन उसको भी अनुभव न मानना, ये काम तुमसे सत्संग कराएगा। तुम्हारे ध्यान अब तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं कि तुम आंख बंद करते हो तुम्हें कुछ ना कुछ दिखने लगता है। कभी शंख दिखता है, कभी वीणा दिखती है, कभी दीपक दिखता है, कभी ज्योत दिखती है। तुम्हारे संस्कार ही ऐसे है, वी कैन नॉट हेल्प इट। चित्त के अंदर इतना संग्रह किया है ना कि तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा ही शुभ संवेदना लो, ये सब तुम्हें दिखेंगी। लेकिन सत्संग तुम्हारे ज्ञान को एक ट्विस्ट देगा कि उस टाइम तुम उसको भी मैं मानने की भूल मत कर लेना, तुम में हो रहा है। अब उस टाइम ये याद कौन कराएगा? सत्संग में जो ज्ञान आरोपित हुआ है ना बार बार सुन सुन के उससे वहां पर अब ये संस्कार तुम्हारा उठेगा, ये मैं नहीं पता, इसको मैं मानने की भूल में तुम नहीं रुकोगे। ये काम सत्संग करता है। और सीधा इस सत्संग के बिना ध्यान में जाओगे ना तो कभी अपने आप को ज्योत मानने की गलती कर लोगे, कभी अपने आप को सुंदर कोई आवाज अनाहत नाद होते हैं अंदर, वो नाद कोई श्रवण हो रहा है कुछ सुंदर श्रवण को तुम मैं मानने की भूल कर लोगे। कभी कोई भगवान के आकार दिख गया उसमें भी तुम्हें कृष्णा दिखेंगे तो नहीं मानोगे उसमें तुम्हें भगवान हो और उसमें रूपाणु भी दिखे तो तुम नहीं मानोगे, तो मत मानना। मैंने कहा मानो, क्योंकि वो तुम हो ही नहीं, उसमें भी तुम्हारे आग्रह इन्वेस्ट किए हैं तुमने कि भगवान इस आकार में होने चाहिए। आकार का आग्रह है कि नहीं तुम लोगों को? था निराकार कहते हो और एक तरफ तुम्हें आकार रूप में देखने की कामना है, तुम्हारी बुद्धि का कुछ ठिकाना है कि नहीं? योर कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर। निराकार है, उसका वेदन होगा, अनुभव होगा, और वो पता कैसे चलेगा? तुम्हारा बाह्य जीवन बदल देगा तो बिल्कुल पता चलेगा अंदर तुम्हारा आत्म अनुभव हुआ है कि नहीं, ये तुम्हारे बाह्य जीवन से पता चलेगा बाहर वाले को। तुम्हें तो अंदर से भी पता चलेगा लेकिन बाहर वाले को तुम्हारा बाह्य जीवन कि इतनी निष्कामता, इतना प्रेम, इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी उपयोग की स्थिरता, ये सारे चमत्कार की घटना घटती है। जीसस के जीवन के अंदर भी अब बाह्य चमत्कारों की कोई बात ही नहीं आता, और भक्तों की या साधकों की दृष्टि हमेशा बाह्य चमत्कार पर होती है, सो कॉल्ड साधकों, क्योंकि कोई चमत्कार उमत्कार हो रहा हो तो उसे पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। चमत्कार से ना पॉपुलैरिटी बहुत
इजीली एनकैश होती है। चमत्कार को नमस्कार, हाँ चमत्कार को, ये तो प्रोवर्ब है ही, उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन ये चमत्कार बाहर नहीं होता। लोग कहते हैं जीसस ने कितनों को कान दिए, तो क्यों उनको कान नहीं दिया जिन्होंने उनको डेथ सेंटेंस दिया? उनको कान नहीं थी कि वो जीसस की बातें सुन सके। कहते हैं जीसस को जीसस ने कितनों को आंखें दी, अंधों को चलता किया। तुम नहीं कहते मूंगा वाचा पामता पंगु गिरी चढ़ जाए, अंध देखता था है। ये सारा होता है, ये जीसस के ही घटनाएं है सारी, बुद्ध के, जीसस के, सबके जीवन में ऐसी घटनाएं है। पैर दिए कितनों को, पंगु गिरी चढ़ जाए। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जीसस को जब फाइनल सेंटेंस दिया जा रहा था डेथ का, तो जेरूसलम के पहाड़ पर जब चढ़ रहे थे तो 3 बार वो लड़खड़ा के गिर पड़े। कितनों को पैर दिया है और तुम गिर रहे हो, कितनों को आंखें दी है और तुम्हारा सत्य लोग नहीं देख पा रहे या तुम्हारा सत्य नहीं सुन पा रहे। अगर तुम्हारे में चमत्कार की ताकत थी तो उनको भी देते ना। इसलिए चमत्कार के अंदर तो उलझना ही मत, कोई चमत्कार दिखे तो चुपचाप अंदर समेट लेना। एक्चुअल चमत्कार क्या था? एक्चुअल उनकी भाव दशा, कि जिसे सूली पर लटकाया जा रहा है और फिर भी कह रहे गॉड प्लीज फॉरगिव देम आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको भी माफ करना। एक्चुअल चमत्कार अंदर की भाव दशा के अंदर था। जीसस के सब भक्तों को था कि उनको सूली चढ़ेगी ना तो एक देव विमान आएगा ऊपर से म्यूजिक के साथ, और वो देव विमान सूली पर से बचाकर ले जाएगा हमारे भगवान को। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सूली चढ़ी ना, लेकिन ये लोग बाहर में चमत्कार की आशा रखते हैं ना, इसलिए उनको प्रॉब्लम होगा। उन्हें गुरु में भी शंका होगी, क्योंकि जीसस तुम सच में गॉड जैसे थे तो फिर देव विमान क्यों नहीं आया? वो चमत्कार होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। बुद्ध को भी उन्हीं के लोगों ने विष खिला के मार दिया। बुद्ध के भी भिक्षुओं को ऐसा होगा जरूर अंदर अंदर कि मेरे भगवान तो विष वाला जहर खा के भी जिंदा रहे। ऐसे चमत्कार की आशा थी, लेकिन चमत्कार की घटना घटी बुद्ध के अंदर में कि जिसने उन्हें मारा उसके प्रति भी वो दृष्टा रहे, जो मर रहा है उसके प्रति भी वो दृष्टा रहे, जो जहर वो अंदर ले रहे हैं उस जहर के साथ उनके अंदर घुटन हो रही है पर उन्हें कोई भी आकुलता नहीं है। ये सब चमत्कार हुए थे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? बाहर। इसलिए तुम चमत्कार ढूंढोगे बाहर, और चमत्कार होते हैं लेकिन कहाँ होते हैं? तुम्हारे भीतर। तो आत्मा के निकट जाना हो तो उसके स्वभाव उसके चमत्कार सारे कहाँ ढूंढोगे? भीतर। तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया कि नहीं? तुम जो भी कृत्य कर रहे हो, पहले तुम हर कृत्य के साथ अहंकार आता था, अब तुम्हारे उन कृत्यों के साथ अहंकार शून्यता कितनी आई? ये चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटना चाहिए। अब तुम्हें कोई पर नहीं निकल आएंगे, तुम्हें कोई पर नहीं निकल आएंगे, या तुम्हारे ज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा तुम बहुत मुख पाठ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस तुम्हें राइट एंड रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन होगा, यू विल बी एबल टू लीव द रॉन्ग एंड वॉक ऑन द राइट पाथ। ये चमत्कार होगा। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो इन चारों में से कुछ भी नहीं सेट होता, ना तो वो संयोग से उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि संयोग से आज देह उत्पन्न होता है तो वो अब तो टेस्ट ट्यूब बेबीज नहीं होते, वो संयोग से टेस्ट ट्यूब में डाल दो और उसके बाद वो बेबी को वापस यूट्रस के अंदर डाल के वापस बेबी पैदा हो जाता है। तो ऐसे किसी संयोग से आत्मा पैदा हो सकता हो तो कोई दो चीजों को 2, 4, 6, 8 कंपोजिशन मिला के आत्मा को पैदा कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जड़ रूपी दृश्य सब कुछ, जो भी स्वभाव जिसका उत्पत्ति लय वाला स्वभाव है, ये बुक मेरे लिए भगवान जैसी है, लेकिन इसका उत्पत्ति लय का स्वभाव है कि नहीं है? कोई भी चीज जो भी जड़ है उसका उत्पत्ति और लय का स्वभाव है, लेकिन आत्मा यदि उत्पत्ति लय वाली है तो इन चारों में से बताओ कुछ भी आत्मा के साथ हम घटा सकते हैं? इसका मतलब हेंस प्रूफ क्या कि आत्मा, बस यही लिखा है इसमें, ये पढ़ गए ना लंबा लंबा, उसमें यही लिखा है कि इन दोनों के स्वभाव टैली नहीं करते। एक का स्वभाव है संयोग से पैदा होना, रूपी होना, जड़ होना और दृश्य होना, और दूसरे के स्वभाव इन चारों से एकदम अलग है। हेंस प्रूफ के देह विनाशी है वो तो दिखता है, तो इसका मतलब आत्मा ऐसा ही चलता है ना।
अविनाशी है, तो इससे विपरीत स्वभाव है वो इसलिए लिखा था। आगे जेना अनुभव वश्य ए उत्पन्न लयन ज्ञान ते तेति जुदा बिना था ये न केमि भान। उसको बता रहे शिष्य को कि उत्पन्न और लय का, उत्पत्ति और नाश का ज्ञान जिसे होता है वो उससे अलग होगा, तभी तो उसे उत्पत्ति और नाश का ज्ञान होगा। ये बुक क्या जान सकती है कि मेरी उत्पत्ति और मेरा नाश हो रहा है? इस बुक की उत्पत्ति और उसका विनाश हो रहा है वो जानने वाला तत्व अलग है। ऐसे ही देह की उत्पत्ति और नाश हो रहा है वो जानने वाला तत्व अलग है, उससे भी अलग है। इससे भी प्रूव होता है कि ये देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, क्योंकि उसको विनाश तत्व को जानने वाला अविनाशी होगा, तभी तो जान पाएगा। अगर मैं इस बुक से पहले नहीं हूं तो मैं इसकी उत्पत्ति जान सकती हूँ, या इस बुक के बाद अगर मेरा अस्तित्व नहीं है तो इस बुक का विनाश मैं जान सकती हूँ। तो मेरा होना बुक से पहले भी था और मेरा होना बुक के बाद भी है, तभी तो मैं उसकी उत्पत्ति और विनाश को जान सकती हूँ। ऐसे ही देह की उत्पत्ति और विनाश को जानने के लिए जानने वाला उससे पहले मौजूद है और उसके बाद भी मौजूद होता है। अगर जे संयोगो देखिए कोई भी संयोग समझ में नहीं आता कि जिससे आत्मा उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मा संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात असंयोगी है, स्वाभाविक पदार्थ है, इसलिए यह प्रत्यक्ष नित्य समझ में आता है। समझ में आया? जो जो संयोग नजर में आते हैं, दिखते हैं, वे सब अनुभव में आते हैं या दृश्य में आते हैं, देखने में आते हैं हमारे, लेकिन उपजे नहीं संयोग थी, आत्मा किसी भी संयोग से उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उसे नित्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष में समझ में आता है कि जो किसी भी संयोगों से उत्पन्न नहीं होता वो नित्य है। जो किसी भी संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ वो किसी भी कारण से उसका नाश हो सकता है क्या? जैसे घड़ा है, एक घड़ा, कुम्हार कहो, चाक कहो, मिट्टी कहो, डंड कहो, पानी कहो, उन सबके संयोग से पैदा हुआ है घड़ा, उत्पन्न हुआ है। तो जब घड़ा किसी संयोग से पैदा हुआ है तो किसी ना किसी, किसी का धक्का लगेगा तो उसका नाश होगा। जो संयोग से पैदा हुई वस्तु है ना, उसका वियोग निश्चित है, लेकिन जो संयोग से पैदा ही नहीं होती उसका वियोग कैसे हो सकता है? इसलिए ऑल्सो प्रूव कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है। नेक्स्ट, जड़ थी चेतन युग जे, चेतन थी जड़ चेतन से जड़ उत्पन्न हो, ऐसा किसी को कहीं कभी भी अनुभव नहीं होता। कंक्लूड कर रहे हैं बात को, क्योंकि शिष्य ने क्वेश्चन किया था ना गाथा नंबर 60 के अंदर कि देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश, तो उसी के आंसर में ये चार गाथा है। पहली के देह मात्र संयोग है, जड़ रूपी दृश्य, चेतन के अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटीज नहीं है। दूसरा, जो अनुभव जो उत्पत्ति और लय से पहले था और बाद में रहेगा वही उस उत्पत्ति और लय को जान सकता है। जो संयोग को दिखते हैं, जो संयोग से उत्पन्न होता है वो वियोग से उसका नाश भी होता है, लेकिन आत्मा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब फाइनली शिष्य को कह रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं उस बात को कि जड़ से चेतन पैदा हो और चेतन से जड़ पैदा हो, ऐसा अनुभव
कोई ने प्यारे कभी न खाए। कभी किसी को ऐसा अनुभव हुआ है कि मटके में से बच्चा पैदा हो जाता है? हाँ, कि फिर तुम्हारे जो बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र हैं, तुम्हारे फार्मा के बड़े सारे अच्छे अच्छे, उनमें से दवाई पैदा हो जाती है? जड़ में से जड़ पैदा करने की भी वैसे तो शक्ति नहीं है पैदा करने की, बाकी उसको पढ़ पढ़ के बनाया जा सकता है लेकिन पैदा करने की शक्ति नहीं है। जड़ में से चेतन कहां से उत्पन्न हो सकता है और चेतन में से जड़ उत्पन्न हो सकता है? न जड़ में से चेतन उत्पन्न होता है न चेतन में से जड़ उत्पन्न होता है। एवो अनुभव कोई ने क्यारे कभी न खाए। कभी भी ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता कि जड़ से चेतन। इसलिए इसका मतलब ही है कि दोनों एग्जैक्टली डिफरेंट अपोजिट आइडेंटिटी है और इसका स्वभाव है मरना, तो इसका स्वभाव से उल्टा होगा कि नहीं? इसका स्वभाव है दिखना, तो इसका स्वभाव से उल्टा होगा कि नहीं? अदृश्य। इसका स्वभाव है रूपी, तो इसका स्वभाव अरूपी। जब दोनों की बिल्कुल दोनों का दिखना जड़ और चेतन दोनों के स्वभाव ही अलग है तो दोनों का परिणाम अलग। अब सेकेंड जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि या तो वस्तु को क्षणिक मानो, क्षणिक आत्मा है तो क्षणिक क्षणिक है। पहला क्वेश्चन तो था देह के संयोग से पैदा होता है, वियोग में नष्ट हो जाता है। अब दूसरा क्षणिक मानो, उसके आंसर अब कोई संयोग संयोग से नहीं होती, उसका नाम भी किसी में नहीं होता, इसलिए आत्मा त्रिकाल नित्य है। किसी भी संयोगों से जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका किसी भी कारण से नाश नहीं है, इसलिए यह नित्य है। आगे क्रोधादि तरतं यता सर्पादिग्निमान। क्रोध आदि प्रकृतियों की विशेषता सर्प आदि प्राणियों में जन्म से ही देखने में आती है। वर्तमान देह में तो उन्होंने वह अभ्यास नहीं किया, जन्म के साथ ही वह है, अर्थात यह पूर्व जन्म का ही संस्कार है जो पूर्व जन्म जीव की नित्यता सिद्ध करता है। अब यहाँ पर पूर्व जन्म की बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहले तो सारा रेपिटेशन में नहीं, वह सिद्धांत के ऊपर बात थी। अब अनुमान से बता रहे हैं, देखो शिष्य को अलग अलग ढंग से बता रहे कि तू एटलीस्ट इतना अज्यूम कर कि सर्प के अंदर क्रोध का जो गुण है वो जन्म से है कि नहीं, कि किसी ने उसको सिखाया कि तुझे क्रोध करने का। कि गाय के अंदर दया का स्वभाव है, कबूतर के अंदर डर का स्वभाव है, कितने कौन सा पक्षी इसमें वो चालाकी का स्वभाव है, क्या लोमड़ी के अंदर चालाकी का स्वभाव है, ये किसी ने उसे सिखाया? लेकिन ये पूर्व जन्म से संस्कार लेकर आता है जी, इसलिए उस जीवन में विदाउट एनी अभ्यास वो वैसा स्वभाव उसका अपोआप, स्वभाव यानी हैबिट, उसकी ये हैबिट अपोआप बन जाती है। हमारे अंदर भी क्रोध है, माया है, कपट है, इस जीवन में तो नहीं सीखा लेकिन ये पूर्व से कितना इकट्ठा करके आए और पूर्व से लेकर आए हैं, इसका मतलब क्या है? पहले जो आत्मा था वही आत्मा अभी है कि नहीं? इसका मतलब आत्मा का नाश नहीं है। क्रोधादि तरतम्यता, क्रोध की तरतम्यता, इतनी ज्यादा क्रोध की अमाउंट सांप में है लेकिन गाय में है? गाय में नहीं। इसलिए हम लोग कई लोग कहते हैं कि तुम इतना क्रोध करते हो ना अगले जन्म में फुफाड़े मारोगे, फुफाड़ा मार सो इतने सांप बनोगे। मतलब ये जो तुम क्रोध किए जा रहे हो ना निरंतर, इससे तुम्हारा अगला जीवन, क्योंकि आप तुम्हें उस क्रोध को फुलफिल करने के लिए उस टाइप का ही जीवन चाहिए होगा। तुम्हारे में इतना क्रोध की एग्रेशन है ना कि वो एग्रेशन गाय के जीवन में नहीं फुलफिल हो सकती। वो एग्रेशन जो है उसके लिए तुम्हें उस टाइप की ही योनि चाहिए। तो ये बात प्रूव करती है कि आत्मा नित्य है, यानी पूर्व जन्म का संस्कार लेकर इस जीवन में आई है
और इस जीवन से आगे के जीवन में जाएगी। अब इस संस्कार को तोड़ने का काम कौन करेगा? सत्संग। सत्संग से सीधा सीधा एक लाभ बताए, प्रॉफिट की फायदा, उस लाभ का लक्ष्य रख के फिर सत्संग में आओगे? हाँ बोलते हैं, अभी तो नहीं बोलने का। सत्संग से सीधा सीधा लाभ क्या होता है नसी? वेरी ब्यूटीफुल लॉजिक। आप लोग अभी पूरे वर्तमान में हो, वैसे आज टॉपिक इतना बोरिंग है ना कि ज्यादा वर्तमान में नहीं भी हो सकते, लेकिन फिर भी वर्तमान में हो ना। बुद्धि का ज्यादा उपयोग आपको तो नहीं करना पड़ रहा ना, ज्यादा उपयोग करना पड़ रहा है जो है मुझे तैयारी करनी पड़ रही है अभी कि कैसे समझाओ, कैसे विषय को रसिक बनाओ। बुद्धि भी नहीं है, मन अभी कर रहा है कुछ छोड़ के भाग जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि 12 बजे से पहले छोड़ने ही नहीं वाले। तो मन बुद्धि सब कुछ तुम्हारा एट रेस्ट है, एट पीस। बहुत गहन बात है लेकिन मजाक नहीं बोलते हैं। मन बुद्धि अहंकार भी, अभी अहंकार तुम्हें कहां से आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो श्रीमद ने लिखा है, तो तुम्हारा अहंकार भी अभी रेस्ट में है। मन बुद्धि अहंकार तीनों तुम्हारे अभी शांति से बैठे हुए। अहंकार भी अभी कहां से उठेगा? मेरे सामने उठेगा? और श्रीमद के लिखे हुए वचन तुम्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो अहंकार भी अभी शांति से बैठे, मन भी बुद्धि भी। तो सत्संग क्या करता है? अभी खाली तुम्हारा चित एक्टिवेट है, चित। सत्संग सीधा तुम्हारे चित के अंदर सीड्स डालने का काम करता है। इससे दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग। सत्संग सीधा तुम्हारे चित के जो भाव दशा है ना उसके ऊपर ही प्रहार करेगा जो कुछ भी, क्योंकि बुद्धि तो तैयारी में, वो पीस में सो रही है, सोते सोते वो कुछ एक्सेप्ट करेगी। अहंकार तुम्हारा सो रहा है, तुम्हारा मन अभी एट रेस्ट है, तो खाली चित के पास वो स्थान है कि सत्संग का सारा कहा हुआ एक एक वचन तुम्हारे चित में जाएगा। और देखने से मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, खाली एक बार सुना ऐसा कि आठम पाखी पढ़नी चाहिए, आज है ना तिथि, अष्टमी पाखी सब कुछ ये पढ़ना चाहिए उस दिन अपने को जीव। और ये इसीलिए है कि हमें भी पता रहे कि उस लीलोत्री में भी जीव है, हरि में भी जीव है, इसीलिए है। अब ऐसी बात घुसी है ना कि वो पाव भाजी उसी दिन खाते हुए याद आता है मुझे, उसी दिन खाने बस मुंह में जाएगा ना और याद आएगा कि वो आज तो तिथि है। ये कैसे? मन बुद्धि अहंकार से परे की बात है। अचानक तुम्हें याद आ जाएगा कि नहीं आज ये नहीं खाना, अचानक तुम क्रोध करते करते अटक जाओगे कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, अंदर है लेकिन आई मस्ट स्टॉप इट डाउन, क्योंकि तुम्हारा चित अब एक्टिव हो चुका है। और ये चित इज अ स्टोर हाउस जहां से सारे संस्कार सप्लाई करता जाएगा तुम्हें, तुम्हें किसी भी टाइम पर कैसे रिएक्ट करना है, दिस कम्स आउट ऑफ योर चित, नॉट मन एंड बुद्धि। अभी यहां पर समझो लाइट चली जाए, तो ये लाइट गई ऐसा रजिस्टर किया बुद्धि ने, रजिस्टर करने का काम है बुद्धि का। मन क्या करेगा? ओ अब हवा भी नहीं आएगी और प्रभु का सुनाई भी नहीं देगा। और चित क्या करेगा? उसमें राग और द्वेष ऐड ऑन करेगा। अब तुम्हारे चित के अंदर राग और द्वेष, मतलब अभी लाइट को अभी जाना था कि अब हम कैसे सुनेंगे, सारी जो रिएक्शंस प्रतिक्रिया करने का काम, उसका जो फोर्स है ना वो चित में से आता है, तुम्हारी बुद्धि में से नहीं आता, बुद्धि के पास इतनी ताकत ही नहीं है। और सत्संग तुम्हारे चित के अंदर कुछ छोड़ के जाता है, इसलिए अब प्रतिक्रिया करते टाइम द फोर्सेस कमिंग फ्रॉम चित के अंदर बातें कौन सी है? सो इट बिकम्स सो इजी। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सत्संग? ये तुम सीडी पे सुनोगे ना, रसोई में काम करते करते नहीं होगा, बिकॉज मन तुम्हारा काम में है, बुद्धि तुम्हारी प्लानिंग में है, अहंकार तुम्हारा अच्छा बनाऊं है, तब नहीं होगा ये। इसी के लिए तुम्हें लाइव सत्संग की आवश्यकता है। लाइव सत्संग के अंदर जो भी बात हो रही है, एवरीथिंग इज कमिंग इनटू योर चित, और चित मतलब जो प्रतिक्रिया करने में तुम्हारा सहायक है, प्लानिंग के बिना प्रतिक्रिया रिएक्शन करने में जो तुम्हारा और तुम देखना तुम्हारे जीवन में पूरा दिन रिएक्शन से तो है, और क्या है? कोई भी घटना घटी वो किसके अधीन है? कर्म के। और रिएक्शन करना किसके अधीन है? तुम्हारे। और ये रिएक्शन आता कहां से है? चित में से। और चित के ऊपर प्रभाव किसका होना चाहिए?
व्हाट इज द नीड ऑफ सत्संग, समझ में आता है कि नहीं? और इसीलिए सत्संग तुम्हारे चित्त के अंदर कुछ फेरफार करता है, मन बुद्धि में तो आपको आप हो जाएगा, चित्त का घोड़ा यदि तुम्हारा, इसीलिए आत्मसिद्धि की 6वीं 7वीं गाथा में है ना, क्या बोलते हैं, त्याग विराग न चित्त मा थायल तेने ज्ञान, अटके त्याग विराग मा तो भूले निष्ठा। त्याग विराग यानी वो जो क्रिया और प्रतिक्रिया त्याग विराग की तुम्हारे चित्त में से आनी चाहिए, तुम्हारे मन, तुम्हारा मन क्या गया उपवास करो तो तुम भटकोगे, लेकिन तुम्हारे चित्त में से उपवास की भावना आई है, मतलब तुम खाने की भाव दशा से पार जा चुके हो, मींस चित्त ने ये तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाला, वो बात यहाँ पर। इसलिए प्रभु जितने जन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग का माहौल में लाए हैं तो सबसे बड़ी सेवा तो वही होती है कि उनके चित्त पर असर होगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कभी ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोग अब इतने सालों से कर रहे हैं, मैं अभी इनको एक दिन कह रही थी कि पिछले दो साल आई हैव सीन अ ट्रेमेंडस चेंज इन माय सेल्फ, इससे पहले भी कर रहे थे लेकिन जो 2 साल मैंने अपने अस्तित्व के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर एक गहन रूपांतरण अनुभव किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। गहन रूपांतरण तो मैं ही कह सकती हूँ, आप लोग रूपांतरण कह सकते हैं कि प्रभु काफी अलग हो गए हैं आप, एंड इट इज रियली देयर, क्यों? बिकॉज ऑफ दी सत्संग। सत्संग का प्रभाव इतना आता जा रहा है जीवन के ऊपर कि उसके कारण परिणमन आपको आप स्मूथ होता जा रहा है, करना नहीं पड़ता। और अभी यही कह रहे कि सारे संस्कार तुम्हारे चित्त में है, इसलिए अगले भाव में तुम्हें सिखाने पड़ेंगे क्रोध करना नहीं। अब तुम भी अभी सत्संग से ये सब लेके जाओगे अगले जीवन में तो तुम्हारी यात्रा कितनी सिंपल हो जाएगी, isn't it? सत्संग के आधार से तुम ये जो बातें हैं अगले जीवन में ले जाओगे तो तुम्हारी यात्रा बहुत सिंपल, और तुम इसी जीवन में देखोगे, तो अगले जीवन की प्रतीक्षा मत करना। इस जीवन में यू विल फील कि यात्रा इज बिकमिंग सो इजी, तुम्हारे लिए नहीं किसी रहता जेरी बनना, एक बार तुमने सुना इधर में कि जेरी बन के रहना है, हाउ इजी इट इज, कहां से आता, ये तुम्हारे करने से आता कभी? लेकिन सत्संग के प्रभाव में चित्त में ये संस्कार बैठ गया, ये लड़का हर बात में जेरी बन के बैठा रहता, इसलिए जेरी रह गया छोटा सा। करो करो एक आध दो गाथा करके इसे खत्म करो। देखो एक बार चित्त का फिर से समझाओ ना कि जो उसकी कैसे प्रॉक्सिमिटी है फिजिकली या जो आत्मा के साथ या जो सबकॉन्शियस, वो थोड़ा सा एक जरूरी नहीं है। बिल्कुल अभी नहीं, अभी मेरे को पूरा कलर इतना नीरस टॉपिक में आज खत्म करके जाना चाहती हूँ। अगली बात ना फिर ईश्वर है की बात है, उसमें बड़ा मजा आया क्योंकि उसमें इतने तर्क उठेंगे, इतने लॉजिक, ईश्वर है कि नहीं है वो सब हम देखेंगे। परिणाम के परिवर्तन से उसके पर्याय में परिवर्तन होता है, कुछ समुद्र बदलता नहीं मात्र लहरें बदलती है, उसी तरह जैसे बाल, युवा और वृद्ध के 3 अवस्थाएं हैं, वे विभाव से आत्मा के पर्याय हैं और बाल अवस्था के रहते हुए आत्मा बालक जान पड़ता था, उस बाल अवस्था को छोड़कर जब आत्मा ने युवावस्था धारण की तब युवा जान पड़ा, और जब युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था अंगीकार की तब वृद्ध दिखने लगा। यह 3 अवस्थाओं का भेद हुआ, वह पर्याय भेद है, परंतु उन 3 अवस्थाओं में आत्मद्रव्य का भेद नहीं हुआ, अर्थात अवस्थाएं बदली परंतु आत्मा नहीं बदला। आत्मा इन 3 अवस्थाओं को जानता है और उन 3 अवस्थाओं को उसे ही स्मरती है। 3 अवस्थाओं में आत्मा एक हो तो ऐसा हो सकता है, परंतु यदि आत्मा क्षण क्षण बदलता हो तो वैसा अनुभव संभव ही नहीं है। आत्मा द्रव्य नित्य है, अब ले आए पर्याय की बात। आत्मा द्रव्य से नित्य है लेकिन पर्याय से पलटता है, अब ये आ गया तुम्हारा तत्व पूरा द्रव्यानुयोग। भाड़ा दी वह त्रणी अनु ज्ञान एक ने थाए, इसे सिंपल करें कि मुश्किल करें? अभी 12:05 में तो आपको लगता है इसे सिंपल ही बोलना चाहिए, सिंपल करें कि मुश्किल करें?
द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है, पर्याय पलटती है, जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहे हो, मैं सिंपल करना चाहती हूँ। अच्छा और सिंपल इसे रखो, तुम्हारा जड़ द्रव्य दूध लो, दूध के अंदर दो चम्मच दही डाल दो तो उसका रूप बदल जाएगा। द्रव्य क्या है? दूध। पर्याय क्या है? गुण। क्या गुण बदल गए? जो गुण दूध का था वह गुण दही का नहीं होता, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है ना। बीमार आदमी को दही दिया जाएगा और स्वस्थ आदमी दूध पिएगा, होता है ना। अभी मैं बीमार थी, मुझे दही 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 खाके थक गई, पूरा दिन दही खाने का, लेकिन ऐसा होता है। अब वो बना किसमें से है? दूध में से, लेकिन फिर भी जो स्टमक की हालत थी उस टाइम, उसमें दूध नहीं पच सकता लेकिन दही पच सकता है। जड़ की क्वालिटी क्या है? द्रव्य वही है, पर्याय बदलते ही गुण भी बदल जाता है, चेतन अपोजिट, क्योंकि हम आगे से देख रहे हैं ना। द्रव्य वही है आत्मा, पर्याय बदल गई लेकिन गुण एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉल्ड चेतन, क्योंकि दोनों अपोजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशन है ये। तुम्हारा सोने का काम है, सोना द्रव्य वही है, मुकुट बनाया, मुकुट गला के चूड़ी बना ली, चूड़ी गला के हार बना लिया, द्रव्य वही, पर्याय बदली, गुण भी बदल गया, क्योंकि अब वो चूड़ी को यहाँ नहीं पहन सकते और इसको यहाँ नहीं पहन सकते, उसका जो काम है वो उसका बदल गया फ्रॉम दिस एंगल। बाकी द्रव्य गुण पर्याय की त्रिपदी कुछ अलग भी है, लेकिन इस दृष्टिकोण से देखो कि जड़ और चेतन अलग है। एक्चुअली श्री गुरु समझाना क्या चाहते हैं कि जड़ तो विनाशी है, तुम्हें दिखता है, लेकिन चेतन अविनाशी है। इस लक्षण से प्रूव कर रहे हैं कि आत्मा द्रव्य वही, पर्याय बदली पर गुण नहीं बदलता, लेकिन जड़ के अंदर वही द्रव्य पर्याय बदलती है और गुण भी बदल जाता है। जड़ का तो दिखता है ना तुम्हें सामने, प्रत्यक्ष अनुभव है। द्रव्य वही दूध, पर्याय बदल गई, दही बन गया और पर्याय के बदलते ही गुण बदल गया। दिस इज द कैटेगरी ऑफ जड़। चेतन की कैटेगरी द्रव्य वही, पर्याय बदल गई पर गुण वही का वही रहेगा। कभी उसका ज्ञान गुण, ज्ञाता दृष्टा गुण, आनंद गुण, सुख गुण, ये कभी भी खंडित नहीं होते, और यहाँ पर खंडित होते हैं, इसलिए ये विनाशी तत्व, ये अविनाशी तत्व। बस मुझे ये सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन, अभी कहो तो पूरी त्रिपदी खुले, लेकिन बहुत थोड़ी है। आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय ए पलटाए, बाड़ा दीवा त्रण इनु, ज्ञान एक ने खाए। बस ये जानने वाला ये क्या, फटाफट लो आगे की दो खर्के खत्म करो। अथवा अथवा ज्ञान शरी कनु जे जानी बदना। कैसे कर सकता है? इसलिए अनुभव से भी आत्मा को अशरीरता का निश्चय कर
तथा किसी भी वस्तु का किसी भी काम में सर्वथा नाश तो होता ही नहीं है, मात्र अवस्थान होता है। इसलिए चेतन का भी सर्वथा नाश नहीं होता, और यदि अवस्थान रूप नाश होता हो तो वह किस में मिल जाता है अथवा किस प्रकार के अवस्था को प्राप्त करता है, उसकी खोज कर अर्थात घट आदि पदार्थ फूट जाते हैं, तब लोग ऐसा कहते हैं कि घट का नाश हुआ है, परंतु कुछ मिट्टीपन का तो नाश नहीं हुआ। वह छिन्न भिन्न होकर सूक्ष्म से सूक्ष्म चूरा हो जाए तो भी परमाणु समूह रूप से रहता है, परंतु उसका सर्वथा नाश नहीं होता, और उसमें से एक परमाणु भी कम नहीं होता, क्योंकि अनुभव से देखते हुए अवस्थातर हो सकता है, परंतु पदार्थ का समूल नाश हो जाए ऐसा भासित होने योग्य ही नहीं है। इसलिए यदि तू चेतन का नाश कहता है तो भी सर्वथा नाश तो कहा ही नहीं जा सकता, अवस्था रूप नाश कहा जा सकता है। जैसे घट फूट कर क्रमश परमाणु समूह रूप से स्थिति में रहता है, वैसे चेतन का अवस्थान्तर रूप नाश तुझे करना हो तो वह किस स्थिति में रहता है, अथवा घट के परमाणु जैसे परमाणु समूह में मिल जाते हैं, वैसे चेतन किस वस्तु में मिलने योग्य है उसे खोज। अर्थात इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो किसी में भी नहीं मिल सकने योग्य है, अथवा पर स्वरूप में अवस्था नहीं होने योग्य। ऐसा चेतन अर्थात आत्मरूप भासन होगा। हाँ, टाइम की कमी है और तुम लंबा लंबा करे जा रहे हो, अभी अब 10 मिनट ज्यादा चलेगा तो इनके कारण हो, मेरे कारण नहीं। अथवा ज्ञान क्षणिक नु जे जाने मतलब शिष्य ने कहा था ना कि क्षणिक क्षणिक भाव है, तो फिर आत्मा को भी, आत्मा जब इन भावों का करता है, देह तो नहीं करता इन भावों को, आत्मा करता है, तो फिर आत्मा को भी क्षणिक मान ले। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा को क्षणिक कैसे मान सकते हैं, तुमने 2 घंटे पहले क्रोध किया, ये भाव उस टाइम वो होगा तभी तो जानेगा, यदि वो क्रोध करने वाला जो तुम्हारी पर्याय थी वो चली गई तो अभी ये जान कौन रहा है कि तुमने 2 घंटे पहले क्रोध किया था। तुमने बचपन में कुछ अच्छा काम बुरा काम या जो भी किया था, यदि वो आत्मा तुम्हारी क्षणिक होती, वो आत्मा चली जाती और ये नई आत्मा होती, तो तुम्हें उसका ज्ञान होना कभी संभव था? और वैसे शास्त्रों में जाति स्मरण ज्ञान आदि के भी दृष्टांत आते हैं कि पूर्व जन्म है, ये अनुभव में आता है। हम पूर्व जन्म ना माने लेकिन इसी जन्म के बचपन के कितनी ही बातें, या अगर ये शिष्य कहे कि क्रोध वाली आत्मा नहीं और प्रेम वाली नहीं और निंदा वाली नहीं और द्वेष वाली नहीं, ये अलग अलग आत्माएं नहीं, तूने द्वेष किया, ये जानने वाला द्वेष से पहले होना चाहिए कि नहीं और द्वेष के बाद भी होना चाहिए कि नहीं, ये पहले और बाद में है वही इसकी नित्यता को मूव करता है। इसलिए कहा अथवा ज्ञान क्षणिक हो, तुम्हें जो क्षणिक तुम्हारे भाव का ज्ञान हो रहा है, जे जानी वदना, उसे जान के जो कहने वाला, वदना मतलब कहने वाला, वदना रोते क्षणिक नहीं, ये बताने वाला क्षणिक कैसे हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी था और वो बाद में भी है, तभी तो वो बोल सकता है। कर अनुभव निर्धार, इसको अनुभव से इसको निर्धार करो, इसका इसको कंक्लूड करो, क्यारे कोई वस्तु नो, क्या कहते हैं फाइनल क्लॉज, क्यारे कोई वस्तु नो केवल हो या ना नाश, किसी भी वस्तु का ना टोटली नाश तो होता ही नहीं। जगत में 6 द्रव्य हैं, उसमें अपने काम के 2, वैसे तो सारे ही काम के, लेकिन अपने अभ्यास के लिए जीव और अजीव, अजीव यानी पुद्गल सारा और जीव यानी चेतन मैं। क्यारे कोई वस्तु नो, जो घड़ा भी बनता है वो घड़ा भी जब नाश पाता है तो फाइनली, और पहले टूटेगा तो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, और टूटेगा तो और छोटे टुकड़े, और टूटेगा तो और छोटी रजकण, और रजकण रजकण करते करते जिस मिट्टी में से बना था उतनी मिट्टी जितना परमाणु रह जाएगा वो कभी नाश कर देगा, वापस उसको कुम्हार लेके उसमें से वापस दूसरा घड़ा बना देगा। ये बुक के पेपर्स टीयर वियर ऑफ हो जाए तो छोटे से छोटा टुकड़ा करो, लेकिन कहीं तो कोई एटम जिसे तुम लोग कहते हो वो तो रहेगा कि नहीं, क्या बोलते हो एटम बोलते हो ना, सबसे छोटा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ऐसा ही होता है ना कि उसको वो तो कहीं ना कहीं रहता ही है इस जगत में। अब 6 द्रव्य के ऊपर बात कही है कि इस जगत का ये नियम है, क्यारे कोई वस्तु नो केवल हो या नाश, पूरा पूरा नाश।
नाश तो कभी भी किसी वस्तु का होता ही नहीं, उसका रूपांतरण हो जाएगा। अब ये मिट्टी से जिसमें से मटका बनाया था खिलौने बना लेंगे, खिलौने टूटेंगे तो उसमें से कुछ और बना लेंगे, लेकिन उसका पूरा पूरा नाश कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह चेतन पामे नाश तो, चेतन सत्ता खुद ही यदि नष्ट हो जाए, क्योंकि वो शिष्य कह रहा है ना कि विनाशी है, तो चेतन सत्ता यदि नष्ट हो जाए तो केमा भड़े तपास, मतलब इन सब चीजों को जानने वाला कौन रहेगा फिर? यदि चेतन की सत्ता ही नष्ट हो जाए तो विनाशी तत्व बोल दो, तो इन सब तथ्य को जानने वाला कौन रहेगा? जानने वाला आत्मा है, और वो आत्मा है इतना ही नहीं, वो नित्य है। दिस इज अ कंटिन्यूअस चेन, और कंटिन्यूअस चेन मतलब ये मत समझना हम सारे एक आत्मा है, मेरी आत्मा की मेरी कंटिन्यूअस धारा है जो जन्मों जन्म से चली आ रही। अब तो अनादि शांत अब तो कहेंगे कि नहीं लीला प्रभु, कि अनादि काल से चली आ रही है लेकिन शांत, लेकिन फिर भी प्रभु अब बस जन्म मरण का अंत है, लेकिन चेतन सत्ता का अंत होगा? वो तो वहां सचिला में भी जाके रहेगी तो सही ना। तो चेतन सत्ता का नाश कभी भी होने वाला नहीं है, ऐसा ही तुम्हारी आत्मा का, ऐसा ही आपकी आत्मा, ऐसा ही आपकी आत्मा, सबकी आत्मा का ही अपनी अविनाशी सत्ता है, और अविनाशी सत्ता है वो अविनाशी ही रहेगी चाहे सिलसिला में चली जाए। विनाश किस चीज का हो सकता है? देह के परिभ्रमण का। विनाश किसका करना है? तो देह के परिभ्रमण का। सत्ता एज इट इज रहेगी, और इसलिए यहाँ फाइनली कह दिया चेतन खुद यदि नष्ट हो जाए तो ये सारा स्वाध्याय कहो, ये सारा सत्संग कहो कि किसके लिए, लेकिन ये चेतन नष्ट नहीं होता, इसलिए सत्संग की ये बात, सत्संग की धारा, सत्संग का भाव, ये सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है तुम्हारे जीवन में। तुम मरोगे तो अगले जीवन सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा। आज बस इतना ही, अगली बार हम लोग थोड़े और रसिक विषय पर आने की कोशिश करेंगे। कर्ता जीतना
श्री परम कृपालु देवकी जय। पोजिशन शासन जय श्री भारत स्वामी भगवान की जय। आज के